सब लोग फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी जिसको लिखना है। देखो अभी तक मैं एक बार बस खाली बताना चाहूंगा, रिकैप करना चाहूंगा कि हम लोग क्या क्या कर चुके हैं और हम लोग किस तरीके से मूव करने वाले हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली आप लोग अगर देखेंगे तो हमने अभी तक किया है चैप्टर 1-4, ठीक है ना, जिसमें हम लोग का चैप्टर 3 नहीं है। तो हमने किया है पहला चैप्टर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, हमने यूटिलिटी थ्योरी किया, हमने मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क किया, हमने चैप्टर 6-8 जिसको मैं कंबाइंडली पोर्टफोलियो थ्योरी बोलता हूँ, हमने ब्राउनियन मोशन किया। उसके बाद आज हम लोग चालू करेंगे 12 से और हम लोग खत्म करेंगे 19 पे। तो जो बच्चों ने हमको 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था उनके लिए सिलेबस हम लोग दिसंबर मिड तक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कल मेरा क्लास नहीं है, कल आपका प्रैक्टिस क्लास है ऑनलाइन, तो कल हम लोग करेंगे ब्राउनियन मोशन के सम्स, ठीक है। सो दो दो तीन तीन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं और एक दो और आप लोग के साथ लगेंगे ताकि एक्सेल एकदम बढ़िया से चले और प्रैक्टिस भी एकदम बढ़िया से चले। मेरा टारगेट ये रहेगा, अभी मैं थोड़ा क्लासेस का फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड अभी हम लोग चैप्टर 12 से चालू करके चैप्टर 19 पे खत्म करेंगे, हमने रन ऑफ एंड रूइन थ्योरी भी कंप्लीट किया है, ठीक है, मेरे बात से सब सहमत है। एंड यस, कुछ लोगों ने हमको बीच में भी ज्वाइन किया था तो उनके लिए बेसिकली मैंने उनको कमिटमेंट दिया कि मैं उनको भी लाइव कराऊंगा, तो हमारा एक और बैच चालू हो रहा है, ठीक है ना। सो उसमें भी सेम पैटर्न में क्लासेस होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज जॉइंड अस एट द टाइम जब मैंने 3-4 चैप्टर करा दिया था, तो उनका उनके बाद कवर होगा, इट्स लाइक दैट साइकिल, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। एंड पहले मैंने बहुत सारे क्लासेस करवा रखे थे चैप्टर्स 12-14 में, बट अब उतना रिक्वायर्ड नहीं है। सो वील ट्राई एंड वील बेसिकली कि कितना हम लोग कम टाइम में, हम लोग बेसिकली टारगेट ये है कि कुछ उड़ा के पढ़ाना नहीं है, बट हम लोग को समझ एकदम अच्छे से आ जाए कम टाइम में हम लोग किस तरीके से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बिकॉज पहले से अगर आप देखेंगे जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया, मतलब पहले जैसे क्वेश्चंस आते थे प्रूविंग टाइप का या फिर बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टाइप का, अब वो नहीं आते, पूरा फाइनेंस बेस आता है, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली CM2 पेपर की बात करूं तो उसमें बेसिकली उसमें आपका ज्यादा करके कमेंटिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 50 नंबर आपका कमेंटिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सो अनलेस एंड अनटिल आप पूरा मैथ रीड कर रहे हो, आप बैक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप रिविजन नोट सॉल्व कर रहे हो, तब तक आपको पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, सो पुट द हेडिंग डेरिवेटिव्स, पुट द हेडिंग डेरिवेटिव्स। नाउ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव का मतलब है एक ऐसा चीज जो अपना वैल्यू किसी चीज से डिराइव करता है, ठीक है। अभी आप लोग अपना कॉपी ऑपी कुछ भी कुछ मत करना, ठीक है, बस खाली सुनते चलो। सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज, सब लोग अपना कैमरा ऑन करके ही क्लास में बैठेंगे, ठीक है। सो डेरिवेटिव हमने पढ़ा कि शेयर क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली शेयर। आज जैसे मान लो ITC का शेयर प्राइस चल रहा है 440, ठीक है, मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ, 440 रुपए चल रहा है मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आई एम गोइंग टू डिराइव फ्रॉम द शेयर, राइट। अब शेयर क्या होता है, डिविडेंड देता है हम लोग को, राइट। तो डिविडेंड जो देता है, देखो दो चीज होता है, एक होता है अर्निंग पर शेयर, एक होता है डिविडेंड पर शेयर, और एक होता है DP रेशियो। चीज समझना क्या होता है, अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी ने कितना अर्निंग कमाया। अब कंपनी अगर मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपया कमा रहा है एक साल में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई 100 रुपया का 100 रुपया कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे। कंपनी कुछ अपने पास रखेगा क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को कुछ एक्सपेंशन प्लान होंगे, कंपनी को कोई चीज को फंडिंग करना होगा, तो कंपनी ने डिविडेंड पे आउट रेशियो किया 50% का, तो हर शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना मिलेगा, 50 रुपए का मिलेगा, राइट। जो कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देता है उसको हम लोग डिविडेंड यील्डिंग बोलेंगे, और जो कंपनी प्लॉबैक करता है उसको हम लोग ग्रोथ स्टॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बेसिकली इन्होंने एक FNO मार्केट डेवलप किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट डेवलप किया, ठीक है। सो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन का मेन मकसद क्या है, चीज समझना, फिजिकल डिलीवरी वो सब ठीक है, बट मैं आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल वे से समझाता हूँ। एक तरीके का सट्टाबाजी, सट्टाबाजी कोई भी चीज में हो सकता है, शेयर में हो सकता है, इंटरेस्ट रेट में हो सकता है, टेम्परेचर पे हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। आज जैसे मान लो अभी जैसे फाइनल हुआ, ठीक है, फाइनल किसका किसका हुआ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ, बहुत दुख हुआ, पता है, मैं घर पे सबको बुलाया था, मतलब बहुत ज्यादा अंदर से अभी तक मैंने ऐसा लग रहा है कि बस क्या बोले, ठीक है। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, हमने मान लो बोला, मैं बहुत ज्यादा आशावादी आदमी, मतलब ऑप्टिमिस्टिक, तो मैंने ये बोला कि भाई इंडिया 300 के ऊपर रन बनाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपसाइड बेटिंग। तो एक ऐसा जन से बेटिंग करेंगे ना जो बोलेगा नहीं भाई इंडिया 300 से नीचे रन बनाएगा, क्लियर है,
ठीक है, तो इंडिया 300 से ऊपर रन बनाएगा और हर एक रन जो ऊपर का बनाएगा मेरे को 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, और हर एक रन जो इंडिया नीचे बनाएगा, सो फॉर एग्जाम्पल इफ द टोटल ऑफ इंडिया ऑन द फाइनल डे वुड हैव बीन 301, आई वुड हैव गॉट 10,000 रुपीज। अगर वो 310 होता तो 1,00,000 मिलता, 320 होता तो 2,00,000, 330 होता तो 3,00,000, लेकिन अगर स्कोर जाता 290 तो 1,00,000 जाता, 280 2,00,000 जाता, 270 3,00,000 जाता, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्यूचर्स डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर्स तो यहां पर अनसर्टेन है सब चीज, यहां पर अनसर्टेन है कि कितना स्कोर बनेगा, सर्टेन तो नहीं है, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, यहां पर मैंने सट्टाबाजी किया, तो अंडरलाइन क्या है वो क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में मैं सट्टाबाजी कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो चीज समझना, अब मान लो इंडिया का टोटल कितना था, उसमें याद नहीं आ रहा कितना था, 240 मान लो, 240, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, 300 के ऊपर मेरा, 300 के नीचे तुम्हारा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, 60 रन कम बना, तो 60 इंटू 10,000 क्या है, मेरे को 6,00,000 रुपया देना पड़ेगा, मेरे को 6,00,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है फ्यूचर में भी, फ्यूचर का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना, फ्यूचर का मतलब क्या होता है ध्यान सुनना। मैंने बोला कि भाई मैं आज ये बाय कर रहा हूं फ्यूचर, एक महीना बाद, फ्यूचर मतलब क्या, आगे का, फ्यूचर मतलब क्या, आगे का। मान लो आईटीसी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 440 और एक महीना बाद का प्रेडिक्शन है कि शेयर प्राइस हो जाएगा 445, तो मैंने 445 में अगर एफ प्लस किया है, इसका मतलब क्या है, एक महीना के बाद में आईटीसी का जो शेयर है वो 445 इज द एक्सपेक्टेड प्राइस। फ्यूचर मतलब क्या, अभी अनसर्टेन है कि एक महीना बाद कितना शेयर प्राइस होगा, राइट। फ्यूचर मतलब क्या, मैं एक महीना बाद 445 इज द एक्सपेक्टेड प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली अब समझना, मैंने फ्यूचर एक बाय कर लिया 445 में, ठीक है। मान लो लॉट साइज है 3,000 का, 3,000 का लॉट साइज है, ठीक है। जो एक्सचेंज पे जो होता है ना वो एक लॉट के ऊपर में होता है, ठीक है। सो 445 है, अब एक महीना बाद मैंने जो चीज खरीदा 445 में उसका दाम हो गया, एक महीना बाद क्या होगा, एक महीना बाद जो मेरा फ्यूचर का दाम होगा वही स्पॉट का भी दाम होगा, चीज समझो। आज से एक महीना, अब एक महीना बाद कितना टाइम बचा है, एक घंटा। जैसे मान लो, कैसे समझा तुम लोगों, मान लो एक्सपायरी है दिसंबर एंड का, तो दिसंबर एंड का मैंने सट्टा लगाया कि भाई 445 इज द एक्सपेक्टेड, मैंने इसमें बाई किया, ठीक है। अब इसका उस समय का जो, इसका फ्यूचर का जो दाम चल रहा है वो हो गया 470, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। सो 25 इंटू 3,000 का मेरे को फायदा हो गया, ठीक है। इस तरीके से फ्यूचर होता है। अब एक बात समझना, सर अगर ऐसा ही था तो आप शेयर में क्यों नहीं डील किए, शेयर में पूरा पैसा लगता है, शेयर में पूरा पैसा लगता है। मान लो 3,000 शेयर, तुम समझ रहे कितना का बात हो गया यहाँ पर, तुम अगर 1,000 शेयर खरीदेगा तो तुमको 4,40,000 चाहिए, 12,00,000 का मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया, 12 से 13,00,000 रुपया। जो लोग के पास में 13,00,000 रुपया नहीं है वो लोग उसका 15 से 20% मार्जिन लेके वो लोग एक फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। फ्यूचर इज अ मेथड कि भाई लेवरेज, लेवरेज ले सके हम लोग, फ्यूचर एक मेथड है जिसे हम लोग लेवरेज लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर का, टेम्परेचर का ले लो। अभी अभी सर्दी है तो सर्दी में क्या बिकता है, सर्दी में क्या बिकता है बताओ, कंबल, ब्लैंकेट, ठीक है। चलो तो अब जैसे मेरे को डर किस बात का लग रहा है भाई, अगर बहुत ज्यादा सर्दी नहीं हुआ, बहुत जैसे लंदन का बात करते हैं, लंदन में 12 महीना सर्दी है तो मेरे को लगता है भाई लंदन में ठंड में अगर बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ा तो मेरा हीटर नहीं बिकेगा, मेरा हीटर नहीं बिकेगा, ठीक है। तो हीटर कंपनी को डर लग रहा है, उसका मेन डर क्या है, टेम्परेचर। वो चाहता है कि टेम्परेचर एकदम कम हो जाए, 1 डिग्री माइनस ऐसा चला जाए। लेकिन अब जैसे इसको डर क्या लग रहा है कि भाई अगर 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री के ऊपर रहा तो मेरा उतना सेल्स नहीं होगा, मेरे को 2 डिग्री के नीचे, तो समझो 2 डिग्री के ऊपर रहने से तो जो हीटर कंपनी है उसको नुकसान होगा ना। तो डर को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मेरे को बिजनेस में नुकसान होगा। मान लो टेम्परेचर रह गया 5 डिग्री, तो टेम्परेचर अगर 5 डिग्री है तो एस्टिमेट करेंगे कि 3 डिग्री ऊपर रहने से मेरे को कितना नुकसान होगा, और फिर उसी को हम लोग रिकवर करने का ट्राई करेंगे किससे, डेरिवेटिव से। तो हम एक आदमी के साथ टेम्परेचर पे डेरिवेटिव में एंट्री की कि भाई 2 डिग्री के ऊपर, हर 1 डिग्री ऊपर रहने पे हमको तुम 1 करोड़ रुपए देगा, और हर 1 डिग्री नीचे रहने पे हम तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेल्सियस तो उस केस में मेरे को तो मेरा बिजनेस फायदा होगा, मेरे को मेरा बिजनेस फायदा होगा, तो मेरे को मेरा बिजनेस में तो फायदा हो ही रहा है, तो वो पैसा हम उसको दे देंगे। सर फायदा बात समझो, मेरे को एक्स्ट्रॉर्डिनरी फायदा होगा, तुम चीज समझा। मेरा सीजन, सीजन मतलब क्या होता, मेरा सीजन बहुत अच्छा गया, क्यों? क्योंकि मेरा बेस था टेम्परेचर और मेरे फेवर में मूव कर गया, मेरे फेवर में मूव कर गया, समझ गया ना। तो 2 डिग्री, मान लो 5 डिग्री हुआ, 5 डिग्री हुआ तो मेरे को बिजनेस में भारी नुकसान,
लोग उतना हीटर नहीं खरीदेगा। आज गर्मी में क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी में ही तो एसी बिकता है, ठंड में लेने जाओ तुमको ऑफ में मिलेगा, बट गर्मी में एकदम ऑफ नहीं मिलेगा, समझा ना। तो 3 डिग्री ऊपर था तो हम 3 करोड़ रुपए लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को बिजनेस में नुकसान हुआ। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट, दिस रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर हो रहा है तुम लोग को, ठीक है, ओके। तो ये कोई भी चीज में हो सकता है, कोई भी चीज में हो सकता है, ठीक है। आज मान लो मेरे को घर लेना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को घर लेना है, तो पैसा बोरो करेंगे, पैसा बोरो करेंगे तो किस चीज का डर है, किस चीज का डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव एंटर करेंगे, ठीक है, समझा। कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बढ़ा हुआ रेट में बोरो कर लेंगे, क्योंकि वही अवेलेबल है, और पहले ही हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में एंटर कर जाएंगे, ताकि क्या होगा मेरे को नेट नेट वही रेट लगे। फ्यूचर का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब क्या, आप ध्यान सुनना, अब चीज समझो। 440 रुपया चल रहा है आईटीसी का स्पॉट, 445 चल रहा है 1 मंथ फ्यूचर, ठीक है, 450 चल रहा है 2 मंथ फ्यूचर, एंड 455 चल रहा है 3 मंथ फ्यूचर। 3 महीने का ही फ्यूचर मार्केट में तुमको दिखेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ठीक है, मंथ एंड पे होता है फ्यूचर का, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है, हम तुमको क्या बोले, ध्यान सुनना, अगर हम प्लस का बात करें, प्लस का हम तुमसे एक शेयर खरीदेगा आईटीसी का आज से 1 महीना बाद, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, तो वो जो रेट फिक्स होता है दैट इज 445 फ्यूचर। अब मान लो मार्केट में रेट चल रहा है 460, बट हम तुमसे कितना में खरीदेंगे, 445, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए। मार्केट में रेट चल रहा है 440, तो भी हमको तुमसे 445 में खरीदना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, ठीक है ना। 450 2 महीना फ्यूचर का मतलब क्या, हम तुमसे 2 महीना बाद इतना शेयर खरीदेंगे आईटीसी का, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते, रेट जो फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर का है, ठीक है ना। अब समझना चीज को, बेसिकली होता क्या है, अब सेलर का ऑपोजिट व्यू है कि भाई हम तुमको 2 महीना बाद 450 में शेयर बेचेंगे, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, तो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब फ्यूचर में क्या है ना, ऑब्लिगेशन है, सिचुएशन तुम्हारे फेवर में मूव करे चाहे सिचुएशन तुम्हारे अगेंस्ट में मूव करे, दोनों केसेस में क्या होगा, तुम्हारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। इसीलिए जो क्लियरिंग हाउस है, जो एक्सचेंजेस है, वो हमसे एक मार्जिन लेते हैं, फ्यूचर में एंटर करने के लिए आपको मार्जिन मतलब लगता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है हिसाब, इंडिया में तुम कोई भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देख लेना, वो हमेशा 10 लाख के आसपास रहेगा, 10 लाख के आसपास रहेगा, ठीक है ना, 10 लाख के आसपास रहेगा। तो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तुमको एक्सचेंज बोलेगा आप पहले 20% जमा कराइए, मार्जिन रखिए, पहले 2 लाख रुपए अपना डीमैट अकाउंट में डालिए, आप 2 लाख रुपए डाल देंगे, और आप एक फ्यूचर में एंटर हो गए। तो क्या हुआ, 2 लाख रुपए से तुम कितना का एक्सपोजर ले लिया, मान लो एक चीज समझो, मान लो कोई चीज का शेयर का दाम चल रहा है 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया चल रहा है और 1000 का ही लॉट है, 1000 रुपया चल रहा है, एकदम सिंपल समझना, 1000 रुपया चल रहा है, 1000 का लॉट है, टोटल हो गया 10 लाख, 10 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तुम क्या बोला, हम फ्यूचर में एंटर करना चाहते, तो एक्सचेंज बोला पहले 2 लाख रुपए रखिए। अगर 2 लाख रुपए से तुम कैश बाय करेगा, कैश बाय वर्सेस फ्यूचर्स बाय में क्या फर्क है, अगर तुम कैश बाय करता तो तुम कितना शेयर खरीद पाता दोस्तों, बट अभी क्या हुआ, तुम तो 1000 शेयर का एक्सपोजर ले लिया ना। अब जैसे मान लो 1000 रुपए में तुम फ्यूचर बाय कर लिया, 10 दिन बाद ही हो गया 1050, 10 दिन बाद ही हो गया 1050, तो 50 करके 1000 शेयर में तुमको फायदा हो गया, मतलब 50,000 का फायदा तुमको हो गया, समझा। कैपिटल कितना, 2 लाख का कैपिटल, कितना, 2 लाख का। लेकिन यही अगर तुम स्पॉट बाय करता तो क्या होता, चीज समझना, अगर तुम स्पॉट बाय करता तो 200 शेयर में 50 का फायदा होता, मतलब 10,000 का ही फायदा होता, तो हम लोग को लेवरेज होता है। लेकिन ये अगर नुकसान होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता ना, इसलिए बोलते फ्यूचर इज हैविंग नो फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में कोई फ्यूचर नहीं है। मोस्टली जो लोग एंटर करते हैं वो लोग ऑप्शन में ही एंटर करते हैं, मोस्टली तुम देखेगा 90% पीपल दे डील इन ऑप्शंस विच इज कॉल एंड पुट, जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फ्यूचर्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, फ्यूचर्स जो मार्क टू मार्केट होता है, मार्क टू मार्केट मतलब ये समझना क्या हो रहा है, देखो तुम 1000 पे फ्यूचर में एंटर कर गया, तुम 1000 में फ्यूचर में एंटर कर गया, अगले ही दिन हो गया 980, ठीक है, एक्सचेंज के पास तुम्हारा पैसा तो थोड़ा कम हो गया ना, क्योंकि तुम 1000 में एंटर किया था, उसी के दाम अभी कितना चल रहा है 980, तुम तो बाय किया था लेकिन नीचे गिर गया ना, तो 20 × 1000 एक्सचेंज बोलेगा आपका सौदा रखना है कि काट दे, सीधा ऐसे ही बोलेगा, तुम्हारा ऐप में नोटिफिकेशन आएगा रखना है कि काट दे, तुम बोलेगा रखना है, और अगर रखना है तो तुमको 20,000 रुपया मार्जिन देना पड़ेगा, अगर रखना है तो तुमको 20,000 रुपया मार्जिन देना पड़ेगा, तभी उन्हें तो लोग काट देगा, लॉस में काट देगा, क्योंकि एक्सचेंज बियर नहीं करेगा। Exchange acts as the buyer to every seller and seller to every buyer. Margin acts as a cushion against losses. Margin acts as a cushion against loss. क्या भरोसा है तुम्हारा? तुम है कौन? कल को तुम अपना बात से मुकर जाओ तो, इसलिए पहले मार्जिन रखिए, समझा, पहले मार्जिन रखिए। कैसीनो में क्या होता है, कैसीनो में कभी जाएगा तो कैसीनो में क्या होता है, पहले तुमसे रिचार्ज करवाएगा, पहले तुम्हारा पैसा को चिप में कन्वर्ट करेगा और फिर तुमको खेलना खेलो,
बाकी में कोई खेला नहीं होता जुआ, जुआ बाकी में खेला नहीं होता है। इसको बनाया गया था फ्यूचर ऑप्शन को हेजिंग के लिए। हेजिंग का मतलब क्या होता है? रिस्क को कम करने के लिए। आज जैसी चीज समझना, जैसे मेरा 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 काम क्या है, हम बुक्स प्रिंट कराते हैं, बच्चा लोग को देते हैं। मेरे को डर किस चीज का है? कहीं प्रिंटिंग का कॉस्ट बढ़ ना जाए, राइट? मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में प्रिंटिंग का कॉस्ट बढ़ने वाला है, तो मैंने क्या बोला, भाई मेरा तो सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, मैथ्स क्या चेंज होगा, तुम 100-100 कॉपी करके रख दे, तुम 100-100 कॉपी करके रख दे। समझ गया? अब डर किस चीज का है? दो टाइप का, देखो 100-100 कॉपी बिका नहीं तो क्या होगा, समझ गया? कोई भी चीज में डर को बेसिकली कैपिटलाइज करना। तो अब जिस समझ लेना, एक जैसे मान लो जो वीट, जो वीट उगाते हैं, जो ब्रेड बनता है मैदा से बनता है, माने समझ गया, गेहूं, तो रिफाइंड गेहूं जिसको बोलते हैं। तो तुम मान ले तुम फार्मर है, ठीक है, जो होलसेलर है, जो ब्रेड बनाता है, उसको डर किस चीज का, कहीं गेहूं का दाम बढ़ ना जाए, माने जो बेसिक जो होता है ना, आटा दाल चावल, इसका दाम बढ़ ना जाए, ठीक है। सो बेसिकली वो फार्मर के संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप मेरे को 6 महीना बाद इतना किलो गेहूं बेचेंगे इतना रेट पे इस दिन को, चलो सब कुछ आज ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स करने से क्या होगा, चीज समझना, फार्मर को भी दिक्कत नहीं है। अब फार्मर को तो अपना सामान निकालना है, बेचना है, तो उसको किस चीज का डर लग रहा है, कहीं दाम गिर ना जाए, और जो खरीद रहा है उसको दाम बढ़ ना जाए। तो इसीलिए ऐसा टाइप का माइंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है डेरिवेटिव का, ठीक है, हर चीज में होता है। चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, समझ गया ना, ठीक है, ओके। अब जैसे ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, फ्यूचर तो समझ में आ गया, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सो बेसिकली हेजिंग मतलब क्या होता है, हम लोग आज जैसे मान लो हम बोले मेरे को, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते सामान यूके, ठीक है, यूके में क्या चलता है, पाउंड चलता है, यही है ना पाउंड का सिंबल, यूके में पाउंड चलता है, तो मेरे को पाउंड मिलेगा और फिर हम उसको INR में कन्वर्ट करते हैं, यही मेरा काम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे को, देखो यहां पर एक करेंसी रिस्क है, मेरे को डर किस चीज का है, मेरे को डर किस चीज का है बताओ। आज जैसे मान लो पाउंड चल रहा है 100 रुपया, एक एग्जांपल मान लो पाउंड चल रहा है 100 रुपया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे को डर इस चीज का है कि भाई आज तो अगर हम एक पाउंड को INR में कन्वर्ट करेंगे तो 100 रुपया मिलेगा, मेरे को डर किस चीज का, कहीं पाउंड का रेट कम ना हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम पहले अपना एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला 6 महीना में हम कितना पाउंड कमा सकते हैं एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करें ना, एक्सपोर्ट करें वहां से पैसा आएगा, उसी 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 कंट्री का पैसा आएगा। हम एस्टिमेट किए 1 लाख पाउंड, 1 लाख पाउंड, ठीक है, तो 1 लाख पाउंड हम एस्टिमेट किए। अब हम बैंक के पास गए, HDFC बैंक, ठीक है, हम HDFC बैंक को बोले हम आपको 6 महीना बाद 1 लाख पाउंड देंगे, आप मेरे को कितना INR देंगे बताइए, चलो रेट आज ही फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते रेट फिक्स हुआ 102, ठीक है, तो मेरा जो इनफ्लो है वो तो फिक्स हो गया ना, बिकॉज मैं क्या हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं, आई एम नॉट बेसिकली स्पेशलिस्ट इन प्रेडिक्टिंग द एक्सचेंज रेट्स, उसके लिए बैंक है, उसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है, उसके लिए एनालिस्ट लोग बैठे हैं, मेरा काम क्या है, एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना, चीज समझो, चीज समझो, मेरा काम क्या है। अब मान लो यहां पर अगर मैं इसको खुला छोड़ देता, मैं इसको अगर खुला छोड़ देता, रेट हो जाता 90, तो मेरे को नुकसान हो जाता, मेरा कॉम्पिटिटर को फायदा हो जाता, यही मान लो अगर मैं इसको खुला छोड़ देता, रेट हो जाता 110। इसीलिए कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट डिफाइंड होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब तुम इसको खुला छोड़ेगा कि तुम इसको मतलब इसको हेज करेगा, ये तुमको डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज के दिन पे हर हम लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं वो क्या है, हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ हेजिंग, समझ गया। आज जैसे मान लो इंश्योरेंस, तुम टोटल में तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, स्कूटर का इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है, और भी अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है, तुम अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस ले रखा है, तुम वही पैसा को अगर स्टॉक मार्केट में डालेगा तो बात बराबर होगा। बट हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, बिकॉज सेफ्टी रहता है। सेफ्टी किस चीज का रहता है भाई, मेरे को हर महीना 10,000 रुपए देना है हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है, मेरे को हर महीना 10,000 रुपए देना है हेल्थ इंश्योरेंस का, कभी भी कोई भी आपदा अगर आएगा, बिल 10 लाख का भी चला जाए, मेरे को टेंशन नहीं है, द कैश फ्लो स्टेबिलाइजेशन इज देयर इन इंश्योरेंस, समझा। तो कौन सा रिस्क को तुमको, अभी जैसे हम लोग गुजरात जा रहे हैं, ठीक है, सो वी आर गोइंग फॉर टू द्वारका, मैंने वहां पर वो है क्या बोलते हैं, अरे तीर्थ, तीर्थ ना जो चार, जो तो वहां पर हम लोग जा रहे हैं, तो बेसिकली मैं डिस्कशन हो रहा था वैसे, सो माय ब्रदर इज ऑफ द ओपिनियन कि हम लोग को फ्लाइट टिकट्स को इंश्योर कराना चाहिए, मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन कि नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना।
तो बेसिकली आपका कितना रिस्क लेने का क्षमता है यहां समझ में आता है। तुम चीज समझा, मेरे लिए फ्लाइट टिकट छोटा अमाउंट है, मेरे भाई के लिए वो चीज बड़ा अमाउंट है। आप चीज समझो, आप जैसे मान लो आप मूवी टिकट बुक करते हो, तो मूवी टिकट अगर आप बुक कर रहे हो तो आप बहुत लोग होता है कि गर्लफ्रेंड मान लो लास्ट टाइम मना कर दी, तो लास्ट मोमेंट अगर वो मना कर दी तो तुम मूवी टिकट को भी इंश्योर कराता है। तो वही चीज है कि तुमको किस चीज को, तुम्हारा रिस्क एपेटाइट कितना है। तुम चीज समझा, यहां पर जैसे मान लो मैंने रेट फिक्स कर लिया, तो इससे क्या हुआ, मेरा काम क्या, एक्सपोर्ट करना और पैसा कमाना, समझ गया। ये एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है, दैट इज नॉट माई वर्क। इसीलिए बोला जाता है कि अपना जो नीश का काम है वही करना चाहिए अच्छे से। तुम अगर, हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट लोगों को क्या समझाते हैं, तुम एक लाइन में चलो, तुम एक फोकस होकर लाइफ में चलो। तुम मान लो आज तुम ये कर रहे हैं, फिर तुम वो कर रहे हैं, फिर तुम कुछ और करने लग जाएगा, उस वो आदमी कभी जीवन में कुछ सक्सेसफुल नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। इसका माइंड इतना फिकल माइंडेड है कि वो आज कुछ कर रहा है, वो कल कुछ कर रहा है, नहीं, टाइम लगता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। ये जो कोर्स तुम लोग कर रहे हो, 5 साल मिनिमम तुमको लगेगा, तब जाके क्या तुम क्वालिफाई कर जाएगा, तब तुम देखो तुमको पर्क्स, बेनिफिट, सैलरी, सब चीज तुम्हारा इंक्रीज होगा। लाइफ में कभी भी लीनियर ग्रोथ नहीं होता, देयर इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। शुरू शुरू में तुमको लगेगा मेरा करियर ग्राफ नीचे जा रहा है, बट नहीं, वो धीरे धीरे ऐसा ऐसा कर्व लेगा वो। ठीक है, तो ये समझ आया तुम लोग को? ठीक है, ओके। अब इसके बाद तो अब सट्टा, सट्टा का तो कोई अंत नहीं है। ठीक है, हर बॉल पे सट्टा लगता है। तो ये लोग क्या किया, सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए, यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो फटाफट से बताइए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस नो ओके। सो अब बेसिकली सट्टा का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो अब ये लोग एक चीज किया, ये लोग बोला कि ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट बनाओ कि जिससे मेरे फेवर में मूव करे तब तो हम उसमें एंटर करेंगे, बट मेरे अगेंस्ट में मूव करे तो मेरे को कुछ ना देना पड़े। समझा, मैंने एक हक का बात हो रहा है। तो ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन जो होता है वो बेसिकली एक टाइप का हक है। ऑप्शन जो होता है वो बेसिकली एक टाइप का हक है। हक मतलब क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे तो राइट, आइदर द राइट टू बाय विच इज कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल विच इज द पुट ऑप्शन। ठीक है, राइट टू बाय, राइट टू सेल। ठीक है, हक कभी भी फ्री में नहीं आता है, हक के लिए हम लोगों को कुछ पैसा देना पड़ता है, दैट इज द प्रीमियम। तो यहां पर दो जन है, एक है जो ऑप्शन बायर है, जो हक खरीद रहा है। किस चीज का हक है, राइट टू बाय और राइट टू सेल दिस शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इन द फ्यूचर डेट। सो बेसिकली जो हक खरीद रहा है, ही और शी इज पेइंग अ प्रीमियम उस आदमी को जो हक बेच रहा है। ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल ऑफ लॉटरी। ठीक है, लॉटरी का टिकट तुम एक फड़ा, कितना में मिलेगा, 50 रुपए में मिलेगा, राइट? अगर पैसा आया तो बंपर पैसा आ जाएगा, 50 रुपए का 1 करोड़ भी हो सकता है। गया तो कितना गया, 50 रुपए, जो 50 रुपए दैट इज द ऑप्शन प्रीमियम। समझ गया, क्योंकि तुम्हारे पास पाने को तो पूरा आसमान है। ठीक है ना, पाने को तो पूरा। ऑप्शन का मतलब क्या है, चीज समझो, तो हम तुमको एक चीज समझाते हैं। कॉल ऑप्शन, पहले कॉल ऑप्शन का बात करते हैं। राइट टू बाय, राइट टू बाय, तुम क्या बोला, अगर मेरा मन खरीदे, इसमें एक स्ट्राइक प्राइस होता है, एक स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी शेयर चल रहा है 440। ठीक है, हम बोला अगर मेरा मन करेगा, अगर मेरा मन करेगा तो हम तुमसे 1 महीना के बाद में ITC का शेयर, अगर मेरा मन, अभी जैसे 440 चल रहा है ना, मान लो मैंने बोला 440 का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अगर मेरा मन करेगा तो आज से 1 महीना के बाद में हम तुमसे ITC का शेयर 440 में खरीदेंगे, और अगर मेरा मन नहीं खरीदेगा तो हम नहीं खरीदेंगे। इसके लिए बताओ कितना रुपया प्रीमियम तुम मांगता? तो वो बोला हमको 10 रुपया प्रीमियम चाहिए। बोला ठीक है, ले लो भैया। तो मेरा कॉस्ट कितना लगा, 10 रुपया। अब शेयर जीरो हो गया, कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी में फ्रॉड हो गया, कंपनी बंद हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माई मैक्सिमम लॉस इज व्हाट, 10 रुपीज प्रीमियम दैट आई हैव पेड। तुम चीज समझ रहे? तो अब एक चीज समझो, 10 रुपया। अब तुम लोग ये बताना, मार्केट में मान लो भाव हो गया 470 रुपया। ठीक है, बट हम तुमसे कितना में खरीदेंगे, 440। क्यों? बिकॉज हम हक खरीदे थे। क्या चीज का हक था, राइट टू बाय एट 440 आफ्टर 1 मंथ। समझ गया, तो हम तुमसे 440 में खरीदेंगे, मार्केट में 470 में बेचेंगे, 30 रुपए का पे ऑफ, और मेरा टोटल नेट नेट कॉस्ट कितना लगा था, 10 रुपया। तो नेट नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपया। लॉट साइज मान लो 3000 का है, तो 20 × 3000। समझ गया, मान लो ऑप्शन का दाम हो गया 570, 670, 770। समझ रहे, तो पाने को तो पूरा आसमान है, खोने को तो 10 रुपया। ऑप्शन बायर के लिए ऊपर तरफ बहुत स्कोप है,
बट नीचे तरफ द लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम दैट द ऑप्शन बायर इज पे। अब ऑप्शन सेलर के बारे में सोचो एक बार, ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, सिर्फ ₹10 प्रीमियम के लिए अपना एक तरफ पूरा खुला छोड़ दे रहा है। खुला छोड़ दे रहा मतलब चीज समझो, मान लेते हैं एक महीना में कंपनी में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 600, ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 600, तो अब क्या होगा, जो ऑप्शन बायर है वो तो अपना हक को एक्सेस करेगा, कितना में खरीदेगा 440। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, ₹600 में मार्केट से खरीद के, ₹600 में मार्केट से खरीद के 440 में बेचेगा। एक एक में उसका पे ऑफ कितना हो रहा है, 160 नेगेटिव, बट वो क्या किया था, शोरूम में बस करे ₹10 प्रीमियम का खाया था, खाली ₹10 ने उसको प्रीमियम का मिला था, तो नेट नेट कितना हो गया 130 नेगेटिव। अब तुम समझ रहे, ऑप्शन सेलर के लिए पाने को तो सिर्फ वो प्रीमियम है और खोने को तो सब कुछ, खोने को तो सब कुछ, क्यों, अगर 700 हो जाता तो और नुकसान, 800 हो जाता तो और नुकसान, 900 हो जाता तो और नुकसान, समझ गया। तो ऑप्शन सेलर के लिए द प्रॉफिट इज लिमिटेड टू द प्रीमियम दैट दे आर रिसीविंग फॉर सेलिंग द राइट एंड द लॉस डज नॉट हैव एनी, बेसिकली उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस मतलब जब तक, आज जैसे मान लो शेयर प्राइस 1000 2000 कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब एक चीज समझना, अब इसमें कैच क्या समझो, ये समझ लेना, अब इसमें कैच क्या समझना, ठीक है, एक बात बताते हैं। लेट मी फर्स्ट आई विल टेक 3 एग्जांपल्स, फर्स्ट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ लॉटरी, देन इंश्योरेंस एंड देन आई विल कम बैक टू ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग को ये समझ में आता है कि ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है, एक हक है, हक के लिए मैंने एक प्रीमियम दिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रीमियम इसलिए दिया, राइट टू बाय, राइट टू सेल, अगर राइट टू सेल होगा दैट इज अ पुट ऑप्शन, राइट टू बाय होगा तो कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब एक चीज समझना, हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, मैंने किस वाला लॉटरी का बोला था, ठीक है। अब एक चीज समझो, ₹50 में लॉटरी तुम खरीदा, क्या प्रोबेबिलिटी कि तुमको 1 करोड़ का लॉटरी लगेगा, क्लोज टू जीरो, क्लोज टू जीरो। 1 करोड़ लोग लॉटरी खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ 1-2 का लॉटरी लग रहा है। ऑप्शन बाइंग भी कुछ ऐसा ही होता है, ऑप्शन बाइंग भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। लेस का चिप्स खाया, लेस का चिप्स में तुमको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, मानो ₹5 का जो पैकेट होता है ना, वो नाम का ही पैकेट है, मैंने उसमें 4-5 पीस चिप्स ही निकलेगा, 10 में थोड़ा बहुत तो निकलता है, ठीक है। सो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, हम ये जो बोले ना पाने को पूरा आसमान, बट एक एस्टिमेट होता है, रियलिस्टिक एस्टिमेट होता है कि भाई 440 का शेयर है तो वो कितना जा सकता है एक महीना में, 10%, दैट इज अ नॉर्मल रेंज, कोई एबनॉर्मैलिटी होगा दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट नॉर्मल में 10%, चीज समझो। अनलिमिटेड लॉस बोलने के लिए है, ठीक है ना, 99% ऑफ द टाइम ऑप्शन गेम में सेलर इज द विनर एंड बायर इज द लूजर, क्यों, जो लॉटरी खरीदता है वो नहीं कमाता है कभी पैसा, जो लॉटरी बेचता है वो कमाता है, समझा। अगेन इंश्योरेंस का बात करो, इंश्योरेंस कंपनी अपना सारा कॉस्ट एस्टिमेट कर, हम लोग तो प्राइसिंग किए ही है, ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व में हम लोग प्राइसिंग किए ही है, वो सारा अपना पहले प्राइसिंग निकालता है, ठीक है, उसमें अपना प्रॉफिट लोडिंग ऐड करता है और फिर वो प्रीमियम कोट करता है, राइट। पहले तो अपना वो सारा कॉस्ट निकालेगा, हर टाइप का खर्चा ऐड करेगा, कमीशन ऐड करेगा, जो क्लेम देना उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट वगैरह सब कुछ ऐड करेगा, प्रॉफिट लोडिंग 10% 20% जोड़ के फिर वो एक प्रीमियम कोट करता है, दैट्स करेक्ट, राइट। सो हमेशा सेलर इज द विनर, यहां पर भी वही हो रहा है। सेलर का माइंडसेट क्या है, चीज समझो, सेलर का यहां पर माइंडसेट ये है, सेलर लॉजिकली सोचता है, सेलर क्या सोच रहा है कि भाई एक महीना में कितना मूव कर जाएगा, तुम चीज समझ रहे हो, ऑप्शंस का भी अलग अलग स्ट्रेटजी बनता है। सो बट यस, अगर आप सेलिंग करते हो ऑप्शंस का तो कभी भी नेकेड सेल नहीं करना चाहिए, जैसे मान लो एक तरफा नेकेड सेल कर दिए, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। हमेशा हम लोग स्ट्रेटजीज बना बना के हम लोग अपना रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये आप तुम लोग को कॉपी करना है। बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो करेंटली चल रहा है 44,000, 44,000 इज द स्पॉट, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मेरा चल रहा है 44,500, ठीक है, एक कॉल ऑप्शन बाय किया है और प्रीमियम पे किया है ₹200, प्रीमियम पे किया है ₹200, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय किया है और प्रीमियम पे किया है ₹200, आपको बताना है मैच्योरिटी पे क्या क्या पे ऑफ होगा और क्या क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलो मैं यहां पर बताता हूं, स्पॉट आफ्टर वन मंथ, स्पॉट आफ्टर वन मंथ, तो स्पॉट मेरा जा रहा है 43,500, 44,000, 44,500, 45,000,
45,500, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग मेरे को बताओगे कि हम लोग का पे ऑफ क्या होगा, ठीक है, और फिर हम लोग को बताना है कि हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान सुनना, स्पॉट 43,000 है, हम क्या बोला था, हम क्या बोला था, मेरा अगर इच्छा करेगा तो हम तुमसे एक महीना के बाद में 44,500 में खरीदेगा, जो मेरा स्ट्राइक प्राइस था। हमेशा जो ट्रांजैक्शन होगा वो स्ट्राइक प्राइस पे होगा। तो एक चीज बताओ, जो चीज मार्केट में 43,000 में मिल रहा है तो वो चीज क्या हम तुमसे 44,500 में खरीदेगा? तो यहां पर मेरा पे ऑफ क्या होगा, जीरो, और मेरा प्रॉफिट होगा -200। सेम यहां पर भी होगा, और सेम यहां पर भी होगा, और सेम यहां पर भी होगा, ठीक है ना। तो सब में -200 -200 -200 हो गया। अब 45,000 का बात करते हैं, 45,000 जो चीज मार्केट में 45,000 का मिल रहा है, बट मेरा तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कितना में किया हुआ है, 44,500। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे तो मेरे को कितने का फायदा होगा, 500। इसके लिए हम प्रीमियम कितना दिए, 200। तो नेट नेट कितने का फायदा हो गया, 300। सेम यहां पर 1,000, और यहां पर मेरा आ जाएगा 800। ये सबको समझ में आया, येस और नो? कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय अपसाइड बेटिंग, ऊपर जाने से कॉल ऑप्शन। मेरा बात ध्यान सुना, और एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो, ध्यान सुनो सब लोग। कॉल ऑप्शन मतलब क्या, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा अगर कॉल ऑप्शन बाय किए तो, ठीक है। ये मैं लिखवा देता हूं, ये सब लोग कॉपी कर लिया, ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट में आ जाइए, ठीक है। सी प्लस लिख देना ब्रैकेट में, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, ठीक है। फिर सी माइनस में लिख दो, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, ठीक है। फिर पी प्लस में लिखो, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, ठीक है। एंड पी माइनस में लिखो, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, ठीक है। अब एक पुट का एग्जांपल लेंगे, अब एक पुट का एग्जांपल लेंगे, रुकेंगे नहीं हम लोग। ये कॉपी कर लो फटाफट से, ये कॉपी कर लीजिए फटाफट से, पुट का एग्जांपल लेंगे। कॉपी हो गया सबका, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव जो है, ये जो डेरिवेटिव जो है, ये सब सब अपना अंडरलाइन किससे कर रहा है, शेयर से कर रहा है, ठीक है। चलो अब, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। वही एग्जांपल बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है मान लो 44,000, ठीक है। और हमने एक पी प्लस किया है, हमने एक पी प्लस किया है, हमने पी प्लस का प्रीमियम दिया है 180 रुपया, ठीक है। और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी है 44,000। जब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों सेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी, एट द मनी बोलते हैं, एट द मनी, जब दोनों सेम होता है तो एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, लेवल्स दे रहा हूं, हम लोग चालू करेंगे 43,000 से, 43,500 से, फिर 44,000 से, 44,500, और फिर 45,000 से, ठीक है। अब मैंने P प्लस का बात किया है, पुट का मतलब क्या होता है, मेरा बात सुनो, पुट का एग्जांपल समझ लेना। पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। व्हाट इज द राइट टू सेल, हम तुमको ये चीज एक महीना बाद 44,000 में बेचेगा, 44,000 में बेचेगा। एक बात समझना, मार्केट में 43,000 में बिक रहा है और हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि हम तुमको ये चीज 44,000 में बेचेगा, तो किस में बेचेंगे, मार्केट में ना, तुमको बेचेंगे, ठीक है ना। तो मेरा स्ट्राइक प्राइस 44,000 है, तो मेरा पे ऑफ क्या होगा, यहाँ पर पहले ये समझाओ, पे ऑफ मेरा क्या हो जाएगा, 1,000 रुपया हो जाएगा। प्रीमियम कितना दिए थे, 180, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ फटाफट से, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 820। 43,500 मार्केट में बिक रहा है, 43,500 तुमको बेचेंगे 44,000, तो किसको बेचेंगे, तुमको बेचेंगे। तो 500 रुपए का मेरा यहाँ पर पे ऑफ हो गया, प्रॉफिट कितना होगा जल्दी बताओ, 320। 44,000 में लैप्स हो जाएगा, लैप्स लैप्स, ठीक है। और इन तीनों में मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना हो रहा है देखो, -180। क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो, सबको यस और नो क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्लियर हो गया सबको, चलो ठीक है। अब एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, निफ्टी का बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी मान लो स्पॉट चल रहा है 19,500, मेरा स्ट्राइक प्राइस है, मेरा स्ट्राइक प्राइस है 20,000। अब हम क्या किया, ध्यान से सुनना, एक कॉल बेचा है और एक पुट बेचा है, दोनों में ही मेरे को, दोनों का ही प्रीमियम है 100 ईच, 100 ईच। अब कॉल पुट बेचा है तो प्रीमियम दिया है ना, लिया है, लिया है। सो टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, जल्दी बताओ, टोटल
टोटल प्रीमियम कलेक्टेड जल्दी बताओ 200, ठीक है ना। आप चलो आ जाओ, वन मंथ स्पॉट मैं तुमको दे देता हूं। तो स्पॉट हम लोग चालू कर रहे हैं यहां पर, ध्यान से कॉलम्स मत बनाना, रुक जाओ, पहले स्पॉट लिखो। स्पॉट लिखो तुम लोग 18,000, 19,000, 20,000, ठीक है, 21,000, 22,000। उसके बाद में लिखो तुम लोग पे ऑफ, पे ऑफ लिखो तुम लोग सी माइनस का, फिर लिखना तुम लोग पे ऑफ पी माइनस का, फिर लिखना टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। मेरा बात ध्यान सुनना, हम लोग क्या किए ध्यान से सुनो, 18,000 चल रहा है और 20,000 का स्ट्राइक पे एक कॉल पुट बेच दिए। एक बार मेरे तरफ देखो, एक तो दिखाएंगे तुम लोगों को, मेरे बात समझना, सी माइनस है, कॉल बेचा है तो ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा ना, तो ऊपर मतलब 20,000 के ऊपर, तो 20,000 के नीचे क्या हो जाएगा, लैप्स, ठीक है। तो सी इसका जीरो जीरो और जीरो, पहले कॉल का सारा कर लो, ध्यान से सुनो, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड में तुम्हारा 200 रुपया आ जाएगा, ठीक है, सब में 200 रुपया आ जाएगा, ये हो गया। अब 21,000 समझना, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट टू बाय था, राइट टू बाय कितना में, राइट टू बाय कितना में, 20,000 में। ये जो राइट टू बाय है ये हम सामने वाला को बेच दिया, बिकॉज आई एम व्हाट, आई एम दी ऑप्शन राइटर, मैं बोला तुम मेरे को 100 रुपया दे दो और एक महीना के बाद में हम तुमको एक हक देता है कि अगर तुम्हारा इच्छा होगा तो तुम मेरे से ये चीज 20,000 में खरीदना, वरना तुम मत खरीदना। अब सामने वाला का माइंडसेट सोचो, मार्केट में कितना में मिल रहा है, 21,000 में, और हम कितना में बोले, 20,000 में, तो ऑब्वियस बात है मेरे से खरीदेगा, और हम क्या करेंगे, मार्केट से 21,000 में लेके उसको 20,000 में बेचना पड़ेगा, बिकॉज क्या था, राइट टू बाय बेच दिए सामने वाले को, समझ गया, मैंने मेरे लिए क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल, अगर सामने वाला बोलेगा तो मैं मना नहीं कर सकता, ठीक है। चलो आओ, 21,000 में क्या होगा, माइनस 1,000, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 2,000। अब सेम माइंडसेट पी माइनस का, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, तो 18,000 हो गया, तो यहां पर माइनस 2,000 जाएगा, यहां पर माइनस 1,000 जाएगा, यहां पर जीरो जीरो और जीरो। तो यहां पर अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा बताओ, माइनस 1,800, यहां पर क्या हो रहा बताओ, माइनस 800, यहां पर क्या हो रहा बताओ, 200, यहां पर क्या हो रहा, 200, यहां पर क्या हो रहा, माइनस 800, और यहां पर क्या हो रहा, माइनस 1,800। अब इससे क्या समझ में आता है, अगर तुम कोई भी चीज बेचता है, अगर तुम ऑप्शन बेचता है और मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाता है, तो तुमको नुकसान होगा। लेकिन जैसे 20,000 का तुम बेचा और अगर 20,000 के आसपास या फिर 20,000 ही रहा तो तुमको प्रॉफिट होगा, समझा, और अगर 20,000 रह जाता तो उसमें नुकसान किसको हो जाता, बायर को, ठीक है। मैंने बायर क्या माइंडसेट से हो रहा है कि भूचाल आ जाए, मैंने एकदम फाड़ दे मार्केट, क्योंकि उसको तो नुकसान से तो उसको डर है ही नहीं ना, बिकॉज फॉर अ बायर द लॉस इज लिमिटेड बट फॉर द सेलर द लॉस इज अनलिमिटेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, येस और नो, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए अब एक और सम करेंगे, सेम सम खाली सी प्लस पी प्लस हो जाएगा, सेम सम खाली सी प्लस पी प्लस हो जाएगा, आइए सेम सम खाली सी प्लस पी प्लस हो जाएगा, ठीक है। आइए तो यहां पर मैं लेवल्स लिख दे रहा हूं, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, ठीक है ना। तो सबसे पहले सी प्लस का क्या हो जाएगा बताना, 0,0,0, 1,000, 2,000, ठीक है। फिर पी प्लस का क्या हो जाएगा बताना, 2,000, 1,000, 0,0,0, ठीक है। उसके बाद में प्रीमियम पेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है, प्रीमियम पेड इज व्हाट, माइनस 200 सब में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा बताओ, प्रॉफिट मेरा सेम हो जाएगा 1,800, 800, 0, 800, 1,800। जीरो की जगह माइनस 200 आना चाहिए।
ठीक है। अब एक तो शेयर पे एग्जांपल कर लेते हैं, एसबीआई स्पॉट चल रहा है मान लो 580, अब सब लोग कैलकुलेटर निकाल लो, एसबीआई स्पॉट चल रहा है मान लो 580, ठीक है, तुम किया है सी प्लस जब के था 600 और तुम किया है पी प्लस जब के था, अच्छा तुमको पता है ना स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होता है, माने सेम शेयर का अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, माने हर 50 रुपया 100 रुपए का डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस होता है, और जैसा स्ट्राइक प्राइस होगा उसके हिसाब से ऑप्शन का प्राइस होता है, माने एक शेयर का बहुत सारा स्ट्राइक प्राइसेस हो सकता है, माने मैंने सी प्लस किया है एट द रेट स्ट्राइक प्राइस 600 एंड पी प्लस किया है स्ट्राइक प्राइस 550, ठीक है देखो, ठीक है तो ये हो गया, और इसके लिए दोनों के लिए मैंने प्रीमियम दिया है 20 रुपया 20 रुपया, ठीक है ना, 20 रुपया इज द ऑप्शन प्रीमियम दैट आई हैव पेड, ठीक है। अब आ जाओ, अब मेरे को यही सेम चीज करना है, मैं लेवल्स दे दे रहा हूं, मैं लेवल्स दे दे रहा हूं 400 450 550 600 650 700, ठीक है आइए आइए, ठीक है। सबसे पहले सी प्लस का बात करते हैं, सो सी प्लस देखो 600 का स्ट्राइक प्राइस है ना, तो 600 के पहले तो लैप्स, तो 0000 650 में 50 और यहां पर 100, ठीक है। अब आ जाइए P प्लस में, सो P प्लस में क्या हो जाएगा, P प्लस का देखो क्या है 550 है ना, तो 550 के ऊपर लैप्स, 550 और उसके ऊपर लैप्स, ठीक है ना। अब उसके नीचे देखो यहां पर क्या होगा, 50 यहां पर 100 और यहां पर 150, ठीक है ना। अब उसके बाद में प्रीमियम टोटल कितना दिया, प्रीमियम टोटल कितना दिया -40 सब में आ जाएगा, राइट सब में -40 आ जाएगा, और इसी का अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, अगर प्रॉफिट कैसे आएगा 110 फिर क्या आ रहा है बताओ, 60 फिर क्या आ रहा है 10 फिर क्या आ रहा है -40 फिर क्या आ रहा है, हाँ -40 फिर क्या आ रहा है 10 और फिर क्या आ रहा है 60 आ रहा है क्या, तुम लोग समझा, यहां पर मैंने बाय करके खेला, बाय में तो समझ गया, बाय में क्या होता है अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा, जैसे मान लो यहां पर क्या हो रहा है मेरे को तुम देखेगा 550 से लेकर के 600 में -40 है, तो मार्केट अगर रेंज बाउंड रह गया तो ऑप्शन बायर को नुकसान है, लेकिन मार्केट अगर रेंज बाउंड रहा तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। ऑप्शन बायर को कब प्रॉफिट है, जब एक तरफ मूवमेंट होगा बहुत जोर से, जब एक तरफ बहुत जोर से मूवमेंट होगा, समझ रहा, किसी भी तरफ बहुत जोर से मूवमेंट हो जाए, अगर उल्टा तरफ भी जाएगा तो भी तो उसका लॉस क्या है, लिमिटेड जी, समझ गया ना, ठीक है कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो इसको, यस कनिष बेटा बोलो। एक बार ये मतलब अपन जो P प्लस P माइनस लिख रहे हैं ये अपने ऑप्शन हो गया, हाँ तो सर अपना जो अभी पहले बाय वाला सिनेरियो था ना निफ्टी वाला, वो एक बार वापस समझोगे, यहाँ पे 19500 अपन ने लिया था सी माइनस पी माइनस, माइनस मतलब सेल होता है, बोलो मतलब एक बार इसमें पी माइनस वाला कैसे बना वो समझा दो, मैं ग्राफ से समझाऊंगा, टाइम दो मेरे को। हाँ प्रियंका बोलो सर, एक जो भी लाइन हो रहा है समझाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास एंड होते समझ जाएंगे सर, एक्चुअली हम मिस आउट कर दिया। अच्छा अच्छा मैं बोला कि मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करेगा, तो उस केस में ऑप्शन बायर को नुकसान है, ऑप्शन सेलर को फायदा है। ऑप्शन सेलर का माइंडसेट क्या है कि मार्केट मूव करे तो एकदम हल्का सा मूव करे, मार्केट थम जाए, मार्केट थम जाए मतलब क्या, ऑप्शन सेलर जोर का तूफान आ जाए मतलब बाय, ठीक है। ऑप्शन बायर लव्स वोलेटिलिटी, ऑप्शन सेलर हेट्स वोलेटिलिटी, ठीक है ओके। आओ अब पहले लिखो पे ऑफ ग्राफ, तब तुम लोग और क्लियर होगा, पे ऑफ ग्राफ कनिष्ठ ध्यान देना इसमें, पे ऑफ ग्राफ, तो पे ऑफ ग्राफ में सबसे पहले मैं बनाऊंगा सी प्लस का, ध्यान देना सी प्लस में क्या हो रहा है, ध्यान दो लाल वाले में देखना, मान लो ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, ये मेरा यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं और यहां पर मैं पे ऑफ माप रहा हूं, ठीक है। एक बार बोर्ड पे देखो, देखो शेयर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ठीक है एक मिनट रुकना, शेयर क्या हो रहा है, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे,
जैसे ही स्ट्राइक प्राइस के आगे और बढ़ेगा तो वो ऐसा हो जाएगा, समझ गया ना। मैंने जैसे मान लो 850 का स्ट्राइक प्राइस है, 851 पे एक रुपया, 852 पे दो रुपया, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसके बाद में मैं बनाऊंगा सी माइनस का, ध्यान देना सेम चीज ही करेंगे। ये देखो एक बार देख लो, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब जैसे ही स्ट्राइक प्राइस के आगे और बढ़ेगा शेयर, लॉस होना चालू हो जाएगा। समझा, 850 का जब 851 होगा तो एक रुपए नुकसान, क्योंकि ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा किसमें, सी माइनस में। ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा किसमें, सी प्लस में। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे पी प्लस, ध्यान देना बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है। 12 टू अब हम लोग कैसे चालू करेंगे और अब हम लोग कैसे खत्म करेंगे ना, देखना बस। बस सारा क्लासेस तुम लोग अटेंड करो और कुछ भी नहीं चाहिए। अब पी प्लस पे ध्यान देना, ये देखो अब जो मेरा शेयर प्राइस है वो इधर से आ रहा है, गिरा 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 गिरा, और जैसे ही स्ट्राइक प्राइस के और गिरेगा तो अब वो ऊपर ऐसे उठेगा, क्योंकि नीचे जाने से डिफरेंस आएगा। पी प्लस में क्या होता है, नीचे जाने से पैसा आएगा। अब हम लोग बनाएंगे पी प्लस का, ध्यान देना ठीक है, गिरा 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 गिरा, और जैसे ही टच करेगा उसको सर, ये पी माइनस का है ना। हाँ बोलो दीपांशु कुचल, ये पी माइनस का है, आपने पी प्लस की। थैंक यू सो मच। ये पे ऑफ है, ये पे ऑफ है। अभी हम लोग इसके बाद बनाएंगे। हाँ बोलो बेटा। ये जैसे हमने P माइनस और C माइनस का करा, ये हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था ग्राफ, मतलब जो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे को प्रीमियम 200 रुपए जा ही रहा। मैंने दो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, एक मिनट को, मैं वही अभी उसी पे आ रहा था। ये जो अभी हमने बनाया, माइक ऑफ करना, ये जो अभी हमने बनाया ये पे ऑफ ग्राफ है। पे ऑफ मतलब क्या, मेच्योरिटी पे क्या होगा, पे ऑफ मतलब क्या, मेच्योरिटी पे क्या होगा। एक अभी हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट का ग्राफ, तो प्रॉफिट का ग्राफ में हम लोग प्रीमियम का एडजस्टमेंट करेंगे। प्रीमियम का एडजस्टमेंट कैसे होगा, जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग का बात करेंगे तो प्रीमियम आएगा, और जब हम लोग ऑप्शन बाइंग का बात करेंगे तो प्रीमियम जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, हाँ हाँ हाँ, ये पे ऑफ ग्राफ था, ठीक है। अब नेक्स्ट सेटिंग लगाना, प्रॉफिट ग्राफ। तो मैं चार्ट तो पहले ऐसा बना देता हूं तो और इजी रहेगा मेरे लिए, बड़ा हो गया एक मिनट को। इन अ सेंस एमआरएफ का शेयर का वैल्यू 1,00,000 रुपए है भाई, मैंने बोलने के लिए वैसा। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं कर रहा हूं सी प्लस का, तो सी प्लस में क्या हुआ था, ध्यान देना, नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा, ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस जैसे ही पार करेगा धीरे धीरे लॉस रिकवर होना चालू होगा, और ये वाला इस पॉइंट पे वो ब्रेक इवन करेगा। जैसे मान लो मैंने 10 रुपए का प्रीमियम दिया है, मैंने 10 रुपए का प्रीमियम दिया है और स्ट्राइक प्राइस है 850, तो 860 के ऊपर मेरे को प्रॉफिट चालू होगा। 850 से मेरा पे ऑफ चालू और 860 से मेरा प्रॉफिट चालू। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे सी माइनस में क्या होगा, ध्यान देना, सी माइनस का जो ग्राफ है वो ऊपर से जाएगा। क्यों ऊपर से जाएगा, बिकॉज प्रीमियम खाया है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखेंगे पी प्लस का ग्राफ, अगेन वो ऐसे जाएगा,
ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे पी माइनस का जो ग्राफ है, तो पी माइनस का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस अगर मैं करा रहा हूं, ठीक है, एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, बस पानी पी के आ रहा, एक मिनट का।
ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखो तुम लोग, तब और क्लियर होगा हम लोग को। ठीक है, एसबीआई, एसबीआई स्पॉट चल रहा है 550। ठीक है, हम लोग कॉल ऑप्शन बाय किया है, स्ट्राइक है 500, 550, 600। 500 वाला जो है उसका प्रीमियम है 60 रुपया, इसका प्रीमियम है 15 रुपया और इसका प्रीमियम है 5 रुपया। ठीक है, अब तुम एक चीज समझो, हम तुमको जो समझाने का ट्राई कर रहा है, अब हम लोग अलग लेवल पे पहुंच गए हैं, अब तुम लोग ये चीज समझना। ठीक है, सुनते जाओ सुनते जाओ। आज जब तक फ्यूचर ऑप्शन नहीं सिखा दिए ना, ना तुम लोग कोई जा सकता है, ना हम जाएंगे, ना तुम लोग जा सकता है। ठीक है, तुम देखो यहां पर क्या हो रहा है, स्ट्राइक प्राइस जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑप्शन का प्रीमियम कम हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। क्या बोलते हैं इसको? मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। मनीनेस का मतलब क्या होता है कि क्या स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, एट द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है। सबसे पहले इन द मनी का मतलब क्या होता है, एट द मनी का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है। अब ये जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, इसमें दो चीजें ये बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा। चीज समझो, मैं बोला स्ट्राइक प्राइस 500 है, स्पॉट चल रहा है 550, तो अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? 50 रुपया। 50 रुपया ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? स्पॉट एंड स्ट्राइक। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? स्पॉट एंड स्ट्राइक। हाँ, स्ट्राइक 500 है, स्ट्राइक 500 है, इसका मतलब क्या? हक। किस चीज का हक? कि हम तुमसे खरीदेगा एक महीना बाद, कितना में? 500 में। तो जो चीज 500 में हक है, मार्केट में कितना मिला? 550। तो तुमसे खरीदेगा 500 में, मार्केट में बेच देगा, तो मेरा नेट नेट कितना हो गया? 550 रुपए का मेरा वो हो गया, पे ऑफ हो गया, राइट। और इसके लिए मैंने प्रीमियम कितना दिया? 60 रुपया। अब चीज समझना, अब आ रहा मेन चीज। तो यहां पर क्या हो रहा है, 60 रुपया का ब्रेकअप है 50 रुपया और 10 रुपया। तो जो 50 रुपया है ये मेरा है इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड जो 10 रुपया है वो मेरा है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब वोलेटिलिटी प्रीमियम। वोलेटिलिटी प्रीमियम का मतलब क्या है कि अभी तो एक महीना बाकी है, सिचुएशन मेरे फेवर में और मूव करेगा। सर अगर मूव नहीं किया तो? अरे मूव नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा, मूव नहीं किया, माई लॉस इज लिमिटेड टू द 60 रुपीज प्रीमियम दैट आई हैव पेड। सर ऑप्शन बाय किए हैं, नीचे तरफ का तो डर है ही नहीं, समझ गया? क्यों डर नहीं है? माय लॉस इज लिमिटेड। वोलेटिलिटी प्रीमियम क्या होता है कि भाई मार्केट में तूफान आ जाए, मार्केट में तूफान आएगा तो उससे क्या होगा, या तो बहुत जोर का ऊपर जाएगा, फिर बहुत जोर का नीचे जाएगा। बहुत जोर का नीचे जाए तो जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? और अगर बहुत जोर का ऊपर चला गया, 1000-2000 कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? जो स्पॉट जा रहा है माइनस स्ट्राइक, ठीक है ना, और जो डिफरेंस आएगा उससे हम लोग माइनस कर देंगे कितना प्रीमियम दिए। यही तो सिखाया है तुम लोग को, ऊपर जाने से डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? स्पॉट एंड स्ट्राइक। नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट? स्ट्राइक एंड स्पॉट, पुट का केस में। ठीक है, इसका पे ऑफ देख लेना एक बार तुम लोग को लिखो यहां पर, एक बार नोट बना के पहले लिख लो एक बार, पे ऑफ देख लो। सी प्लस का होगा मैक्स ऑफ एस टी माइनस के कॉमा जीरो, ठीक है, एंड पी प्लस का होगा मैक्स ऑफ के माइनस एस टी कॉमा जीरो। सी माइनस में क्या होगा, बस खाली ये जो है माइनस हो जाएगा, समझ गया ना?
एक और देख लो, अगर F प्लस है तो क्या होगा, एस टी माइनस के, ठीक है, क्योंकि F प्लस में ऑब्लिगेशन है, ये माइनस है चाहे प्लस है, या तो मिलेगा या फिर देना पड़ेगा, और F माइनस में K माइनस एस टी, अब यहां पर आ जाओ, अब चीज समझना, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा, बैलेंस जो है वो है टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू या फिर वोलेटिलिटी प्रीमियम, मतलब सिचुएशन मेरे फेवर में मूव करेगा। तुम लेस का चिप्स का पैकेट खाया, हम जो जस्ट अभी बोले, उसमें कुछ चिप्स है और कुछ हवा है, जो चिप्स है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू और जो हवा है वो क्या है, टाइम वैल्यू, ठीक है। अब आइए एट द मनी का बात करते हैं, आज अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या है, 550, ये भी 550, तो नेट नेट जीरो, तो आज अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये जो 15 रुपया है ये क्या है, टाइम वैल्यू, ये 15 रुपया टाइम वैल्यू क्यों है, क्योंकि मेरे को लगता है सिचुएशन मेरे फेवर में मूव करेगा, ठीक है। 600 का बात करते, 600 का बात करते, ठीक है। अभी दिमाग में ये मत लगाना कि सर यहां पर तो टाइम वैल्यू 10 रुपया आ रहा था, यहां पर 15 रुपया, अभी वो सब हमें हम लोग डिस्कस नहीं करें, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया, ठीक है। 600, तो 600 का मतलब क्या है, 600 के ऊपर जाएगा तो डिफरेंस आएगा, अभी कितना चला, 550, तो आज अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या है, लैप्स, क्योंकि 600 के ऊपर तो है ही नहीं ना, 550 में तो लैप्स है, 600 के ऊपर पे ऑफ चालू। अच्छा एक चीज समझना, इसका बात कर लेते एक बार, ये खाली इसका बात करते, 500 और 60, मैं ध्यान से बोलो सुनो, 500 के ऊपर पे ऑफ चालू, 560 के ऊपर प्रॉफिट चालू, यस और नो, दूसरा वाला दोबारा से बोल रहा हूं, नहीं समझा तो दोबारा से बोल रहा हूं, 550 के ऊपर पे ऑफ चालू, 565 के ऊपर प्रॉफिट चालू, यहां पर बोल रहे हैं, 600 के ऊपर पे ऑफ चालू, 605 के ऊपर प्रॉफिट चालू, तो पे ऑफ प्रॉफिट का डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाँ, यस सर। तो टाइम वैल्यू एक बेसिकली वोलेटिलिटी प्रीमियम है, जो हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि मेरे फेवर में मूव करे, ऑप्शन इज अ वोलेटिलिटी गेम, वोलेटिलिटी ज्यादा तो प्रीमियम भी ज्यादा, वोलेटिलिटी कम तो प्रीमियम भी कम, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जो टाइम वैल्यू है ये गिरेगा, क्यों गिरेगा, आज से एक महीना बाकी है, 15 दिन के बाद 15 दिन बाकी रहेगा, 3 हफ्ता के बाद 1 हफ्ता बाकी रहेगा, और 29 डेज के बाद में 1 दिन बाकी रहेगा, 29 डेज 5 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग के बाद में क्लोज टू 80 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग बाकी रहेगा, जो भी मोटा मोटी, तुम चीज समझ रहे, तो धीरे धीरे करके टाइम वैल्यू गिरता है, क्यों, शेयर प्राइस एक महीना में जितना मूव करने का प्रोबेबिलिटी है, एक हफ्ता में तो उतना नहीं है, एक हफ्ता में जितना मूव करने का प्रोबेबिलिटी है, एक दिन में उतना नहीं है, एक घंटा में उतना नहीं है, एंड सो ऑन, तो टाइम वैल्यू डिक्रीजेस, जितना ज्यादा वो रहेगा स्पैन उतना मेरा टाइम वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं मनीनेस, तो ये बेसिकली 500 मेरा हो गया इन द मनी, ये मेरा हो गया एट द मनी, और ये मेरा हो गया आउट ऑफ द मनी, पहले ये कॉपी कर लो। ठीक है, अब एक और चीज देखना, कॉल पुट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन द मनी का, सो कॉल इन द मनी होगा व्हेन एस टी इज ग्रेटर देन के, पुट इन द मनी होगा व्हेन एस टी इज लेस देन के, एड द मनी होगा व्हेन एस टी इज इक्वल टू के, एंड इसके लिए भी सेम रहेगा, एंड आउट ऑफ द मनी रहेगा When ST is less than K, and यहां पर आ जाएगा ST is greater than K. ठीक है,
मनीनेस। अब एक चीज समझना, मैं आप लोग को एक 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 रफ आइडिया देता हूं, ठीक है, कि ऑप्शंस मार्केट कैसा काम होता है। तो जैसे क्या होता है ना, जब इन द मनी रहता है तो अगर जो स्पॉट है वो एक रुपया से मूव करता है तो मेरे डेरिवेटिव में भी उतना ही रुपया का चेंज आता है। ये समझो, अब हम लोग एक पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे यहां पर, जिसका नाम है डेल्टा। सुनो, ध्यान से सुनो, डेल्टा मतलब क्या होता है। अगर शेयर प्राइस में एक रुपए का चेंज होगा तो मेरे ऑप्शन के प्राइस में कितना रुपए का चेंज होगा, dy/dx। dy/dx का मतलब होता है डेल्टा, समझ गए। dy/dx मतलब क्या, x में चेंज हो रहा है तो y में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या माप रहा हूं, अगर शेयर में एक रुपए का चेंज होगा तो मेरे ऑप्शन प्राइस में कितना रुपए का चेंज होगा, ठीक है। जब एक चीज समझो, जब इन द मनी है, अगर एक रुपए का मूवमेंट आ रहा है तो ऑप्शन में भी उतना का ही मूवमेंट आएगा। तो यहां पर मेरा जो डेल्टा रहेगा वो मोटा मोटी एक रुपया के आसपास रहता है। जब एट द मनी होता है मोटा मोटी 0.5 रहता है। मैंने ट्रेडिंग किया है रियल टाइम तो मैं बता पा रहा हूं, मतलब कि अगर शेयर प्राइस में 10 रुपए का चेंज आता है मोटा मोटी, तो ऑप्शन के प्रीमियम में 5 रुपए का चेंज आएगा। आउट ऑफ द मनी मोटा मोटी 0.2, मोटा मोटी 0.2 मतलब शेयर प्राइस में अगर मान लो 10 रुपए का चेंज आएगा तो ऑप्शन के प्राइस में 2 रुपए का चेंज आएगा। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं। तुमने एक बहुत दूर का ऑप्शन बाय कर लिया, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, ये कॉपी कर लो डेल्टा, ठीक है। जैसे मान लो SBI, सर SBI स्पॉट चल रहा है 550, तुमने पुट बाय कर लिया स्ट्राइक प्राइस 250, टाइम है 1 महीना। क्या लगता है 1 महीना में SBI इतना बड़ा बैंक 550 से 250 रुपया हो जाएगा? तो चीज समझा, तो ये चीज को मार्केट डिस्काउंट कर लेता है। इसका मैंने प्रीमियम कितना दिया होगा, मतलब 1 महीने का तुम्हें सोचो प्रीमियम मैंने दिया होगा 5 रुपया, मान के चलो 5 रुपया दिया। तुम चीज समझ रहे, मेरा क्या एस्टिमेशन है कि 5 रुपया लगाओ SBI को डुबाओ और 250 रुपया कमाओ। ऐसा होगा कभी जीवन में नहीं होगा, जीवन में नहीं होगा कभी। SBI में 50 रुपए का मूवमेंट आता है ना तो एक बैंक घुस जाता है उसके अंदर। SBI, HDFC, HDFC इतना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट हो गया है ना, मैंने HDFC में एक दिन जितना का मूवमेंट आता है ना उतना तो बाकी सब बैंक लोग का मार्केट कहते हैं, ठीक है। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ठीक है, ये सब जो है, मैंने रिलायंस 5% अगर मूव करे मतलब समझ निफ्टी भी मूव करता है उतना ही सही। HDFC बैंक मान लो 5% बढ़ा है फिर गिरा, उतना में तो बैंक घुस जाएगा, एक पूरा बैंक का मार्केट कैप होता है उतना, छोटे छोटे जो बैंक है। तो बेसिकली एक चीज समझो, क्यों ऐसा होता है, मूवमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तुम लोग को लेस वाला एग्जांपल दोबारा समझाता है। जैसे ये जो है हम लोग, जैसे तुम अपना घर में देखा होगा जो मान लो पापा है या फिर भैया लोग हैं जो एकदम वेल एडुकेटेड है, ठीक है, ठीक है। जो वेल एडुकेटेड नहीं है वो लोग क्या करते हैं, लॉटरी की तरह खेलते हैं। हम तो थोड़ा थोड़ा पैसा से करते हैं, तुम लोग सुना होगा सब लाइन, देखना अभी और जब तुम बता रहे हैं तुम लोग और सुनेगा सब चीज। कोई फूफा मौसा, ठीक है ना, कभी देखना पार्टी वार्टी में मिलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, मैं हम तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, मतलब थोड़ा, तुम पूछना थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है, वो बोलेगा हम तो ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। हम तुम लोग को जो भी बताया देख लेना, मेरा जो बात है और वो लोग का बात पूरा उल्टा, क्यों, कि वो लोग पैसा खो रहे और हमारे जैसे एडुकेटेड लोग पैसा कमा रहे। तुम चीज समझो, 99% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर इज द विनर, मैं तुमको बताऊंगा क्यों, ठीक है। अभी पहले इस पे ध्यान देते हैं, वो लोग क्या करता है ना, लॉटरी की तरह खेलता है, 5 रुपए लगा दिया, ठीक है, 5 रुपए लगा दिया, मतलब ये 5 रुपए जो लगाया है ना जीरो है, ये जीरो है, ये तुम हर महीना करेगा ये चीज और 5-5 रुपया देते जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ द मनी है। तुम चीज समझ रही है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है एंड फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका डेल्टा एकदम नेग्लिजिबल होगा, यानी शेयर प्राइस 50 रुपए से भी मूव कर जाएगा ना तो भी इसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा। शेयर प्राइस 50 रुपए से भी मूव कर जाएगा ना, इसमें 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा, समझा। यही अगर मान लो 250 की जगह 350 होता
तो डेल्टा थोड़ा इंप्रूव होता, 450 होता तो डेल्टा और इंप्रूव, 550 डेल्टा और, समझ रहे हैं लॉजिक, समझ रहे हैं? और एक चीज समझना, लॉटरी का मैंने एग्जांपल लिया, तुम हर दिन 50-50 रुपए का टिकट ले रहा है, कोई एक दिन 3-4 साल 5 साल में तुम्हारा लॉटरी लग गया तुम्हारा लॉटरी, तो वंस इन अ ब्लू मून इवेंट है ना, वंस इन अ ब्लू मून इवेंट है, वो तो होता ही है, हर दिन होगा क्या वो इवेंट? नहीं होगा, हर दिन तो नहीं होगा वो इवेंट, ठीक है। तो एक और बात बोल रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ स्मॉल अमाउंट, ऑप्शन सेलर्स एंड अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ बिग अमाउंट। इसका मतलब क्या समझा? इंश्योरेंस कंपनी करोड़ों लोगों का इंश्योरेंस कर रहा है, ठीक है, कोविड जैसा वंस इन अ ब्लू मून इवेंट हर टाइम नहीं आता, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को कोप अप कर लिया और पैसा कमाया और पॉलिसी बेचा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है, जो ऑप्शन सेलर है वो क्या कर रहा है, वो हर महीना ऑप्शन बेच रहा है। कभी बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया अगेंस्ट में तो वंस इन अ ब्लू मून इवेंट है, तो वंस इन अ ब्लू मून इवेंट हो गई, लेकिन क्या 12 महीना होगा क्या? नहीं, ऑप्शन सेलर जो नेकेड ऑप्शन बेचता है, जो नेकेड खाली मान लो कॉल बेच दिया, खाली मान लो पुट बेच दिया, वो लोग का बात बता रहे हैं, वो लोग 11 महीना कमाएगा, लेकिन एक बार जब खोएगा ना पैसा तो बहुत लंबा पैसा खोएगा, इतना लंबा खोएगा कि सारा प्रॉफिट भी डूब जाएगा। इसीलिए हम लोग को स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा ऑप्शन में, हम लोग आगे जाके स्ट्रैटेजी बिल्डिंग भी सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि भाई पढ़ लिया पास हो गया, नहीं, जो पढ़ लिया पास हो गया वाला चैप्टर है वो वैसे पढ़ाएंगे और जो प्रैक्टिकल वाला है वो वैसे पढ़ाएंगे। एक और चीज, अब जैसे मान लो ऑप्शन सेलर का मैंने बोला दे हैव अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ बिग अमाउंट एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ स्मॉल अमाउंट, ऑप्शन बायर के लिए लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ वेरी हाई अमाउंट। मैंने यहां पर क्या तुमको लग रहा है कि SBI का शेयर एक महीने में 200 हो जाएगा? नहीं, एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट दिस 5 रुपीज, दे विल गो ऑन लूजिंग 5 रुपीज, दे विल गो ऑन लूजिंग 5 रुपीज। तो समझा, अब दो ऑप्शन है, 5 रुपए में खाली हवा और 10 रुपए में चिप्स और हवा, तो ऑब्वियस सा बात है ना, खाली हवा तो नहीं खरीदेंगे, तो OTM में तो ट्रेड करो ही मत, समझा। OTM मतलब क्या? प्रीमियम कम है तो एक झांसा है ना, क्योंकि शेयर तो उस तरफ जाएगा ही नहीं, उतना बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। तो पहले टाइम फ्रेम देखो, तुम पहले ये देखो कि भाई शेयर ऐसा पास में कितना बार किया है, फिर तुम ट्रेड लगाओ, समझा, ठीक है। अब एक और चीज, ऑप्शन कभी भी नेकेड नहीं बेचना है, ठीक है, ऑप्शन कभी भी नेकेड नहीं बेचना है। नेकेड नहीं बेचना है मतलब हम तुमको ये वाला एग्जांपल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तुम यहां पर स्ट्राइक प्राइस है 550, तुम पुट बेच दिया, ठीक है, तुम पुट बेच दिया, मान लेते हैं इसमें लॉट है 5000 का लॉट है, ठीक है, 5000 का इसमें लॉट है, मान लेते तुम पुट बेच दिया 550 का, ठीक है। अब एक कहावत है, ओनली 1% नेकेड ऑप्शन सेलर मेक मिलियन। जैसे मान लो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओनली 1 in 1 million नेकेड ऑप्शन सेलर, मतलब 10 लाख में एक आदमी नेकेड बेच के पैसा कमाएगा, बाकी 9,99,000 घर नेकेड जाएगा, क्योंकि घर बार तो सब बिक जाएगा, कपड़ा वपड़ा सब खुल जाएगा, यस। तो नेकेड मतलब क्या हो रहा है, देखो शेयर नीचे जा रहा है, एक महीना का टाइम फ्रेम है, ठीक है, शेयर नीचे जा रहा है, 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपया मूव कर ही सकता है, तो ऐसे तो तुम अपना लॉस को बांधा ही नहीं ना, 550 का तुम पुट बेच दिया, तो नीचे तरफ तो तुम पूरा खाली छोड़ दिया एकदम, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके स्ट्रैटेजी, तुम लोग उसका पे ऑफ वगैरह बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है। अब यही वाला एग्जांपल को थोड़ा सा फ्रेम करता हूं, पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हम लोग मनीनेस पे, ठीक है। जैसे मान लो स्पॉट SBI का चल रहा है तुम्हारा 550, ठीक है, तुम पुट बेच दिया, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 550, तो बताओ ये एट द मनी हुआ
इन द मनी हुआ कि आउट ऑफ द मनी हुआ, फटाफट से बताओ। एट द मनी हुआ, स्ट्राइक एंड स्पॉट दोनों सेम है, ठीक है। तुम इसके लिए प्रीमियम जो उठाया वो तुम उठाया 30 रुपया, ठीक है। अब तुम क्या किया, नीचे तरफ में अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, तुम एक पी प्लस खरीद लिया, स्ट्राइक प्राइस 500 का, ठीक है। इसके लिए जो तुम प्रीमियम दिया वो तुम दिया 10 रुपया, ठीक है। अब आइए हम लोग बनाते हैं इसको, तो मैं यहां पर प्राइस लेवल्स दे देता हूं, 600 से चालू करेंगे, 600, 550, 500, 450, ठीक है। सबसे पहले पी माइनस का बात करेंगे, तो 550 के नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, ठीक है। तो पी माइनस में क्या होगा, 0, 0, 50, 100। फिर हम लोग बात करेंगे पी प्लस का, 500 के नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, तो 0, 0, 0, 50, ठीक है। उसके बाद में प्रीमियम का बात करेंगे, नेट प्रीमियम क्या हो रहा है, 30 रुपया आया, 10 रुपया गया, तो नेट नेट कितना आया, 20 रुपया आया, ठीक है। प्रॉफिट का बात करेंगे, तो प्रॉफिट क्या हुआ इसमें बताना, 20 रुपये यहां प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये यहां प्रॉफिट हुआ, यहां पर क्या हुआ, 30 रुपया नुकसान हुआ, और यहां पर क्या हुआ, हाँ तुम एक चीज समझा, यही अगर, अब एक चीज समझो, मैंने पुट बाय कर लिया, मतलब मैंने नीचे तरफ में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन यही अगर लास्ट वाला में प्रोटेक्ट नहीं करते तो लॉस क्या हो जाता, माइनस अस्सी, समझ गया। तो नीचे तरफ में मैंने क्या किया, अपने आपको पी प्लस करके प्रोटेक्ट कर लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, यहां पर मेरा माइंडसेट क्या था समझना, यहां पर मेरा माइंडसेट क्या था कि शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, और अगर नीचे गया भी तो हल्का सा नीचे जाए, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, समझ गया। शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए और अगर नीचे गया भी तो हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं जाए, ठीक है। आइए हम लोग और एग्जांपल्स करेंगे, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, ये ठीक है ना सबको, ठीक है। आओ, फ्यूचर में तो बहुत इजी है, देखो मैं फ्यूचर का दिखाता हूं, मैंने 1 मंथ एफ प्लस किया है, ठीक है, आईटीसी पे 1 मंथ एफ प्लस किया है 450 पे, ठीक है, 1 मंथ एफ प्लस किया 450 पे, स्पॉट चल रहा है मान लो 435, ठीक है। आफ्टर वन मंथ में प्राइस लेवल्स लिख रहा हूं, मैं चालू कर रहा हूं 300 से, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान देना, मैंने एफ प्लस किया और अगर स्पॉट जो है वन मंथ आफ्टर स्पॉट 300 हो गया, तो 150 का नुकसान, ठीक है, यहां 50 का नुकसान, यहां 50 का फायदा, यहां 150 का फायदा, यहां 250 का फायदा, करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, इनटू लॉट सेस करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। यही अगर मान लो, एक और देख लो, यही अगर मान लो, ठीक है, फ्यूचर में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब एक चीज समझना, मार्जिन तीन टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल मार्जिन, एक होता है वेरिएशन मार्जिन, एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है। ध्यान से सुनो, तुम एक डीमैट अकाउंट खुलाया, तुम डीमैट अकाउंट खुला के बोला ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहले एक्सचेंज क्या बोलेगा, मार्जिन रखिए, पैसा रखिए, तभी तो ट्रेडिंग करने देंगे ना। जो तुम स्टार्टिंग में रखता है उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन, ठीक है। तुम मान लो इनिशियल मार्जिन तुम रख दिया 1 लाख रुपया, ठीक है, ध्यान से पहले सुन लो, 1 लाख रुपया तुम रख दिया, तुम ट्रेडिंग किया, एमेच्योर ट्रेडर है, तुम नुकसान पे नुकसान करता गया, ठीक है, एकदम नौ सीखिया, तुमको कोई चीज का आइडिया नहीं है, ज्ञान नहीं है, तुम बोला हम सीख रहे हैं, तो तुम क्या किया,
तुम करते गया तुम नुकसान पे नुकसान करते गया। अब डीमैट अकाउंट में क्या हुआ, तुम्हारा एक ट्रेड चल रहा है ठीक है, और ट्रेड जब तुम लिया था उस समय तुम्हारे पास में था 28,000। डीमैट वाला क्या बोलता है, 20,000 इज द मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन, 20,000 इज द मिनिमम मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन बोला आप 100,000 रुपए रखिए ठीक है। अब तुम्हारा क्या हुआ, ट्रेड में नुकसान होते 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 जब तुम ट्रेड काटा तो तुम्हारा 19,000 हो गया, 20,000 मेंटेनेंस मार्जिन है। जैसे ही 20,000 तुम्हारा क्रॉस किया होगा तुमको एक मार्जिन कॉल गया होगा, मार्जिन कॉल गया होगा, बोला भैया आपका डीमैट में मार्जिन एकदम हो गया है कम, मेंटेनेंस मार्जिन को टच कर गया है ठीक है ना। फटाफट से मार्जिन कॉल मैं बोल रहा हूं, फटाफट से अपना मार्जिन को इनिशियल मार्जिन में वो करिए, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन। मान लो ट्रेड जब तुम काटा उसी दिन तुम ट्रेड काट दिया तुम्हारा 19,000 हो गया, तो बोलेगा 81,000 का पहले वेरिएशन मार्जिन डिपॉजिट कीजिए तभी आप ट्रेड लगाएंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लगाने देंगे आपको। समझ गया, बोलता है मार्जिन कॉल देंगे टू मेक द मार्जिन लेवल्स बैक टू इनिशियल, टू मेक द मार्जिन लेवल्स बैक टू इनिशियल, दिस इज द इनिशियल मार्जिन ठीक है ना। और हम लोग क्या बोले इसको, मार्जिन कॉल दिए, मार्जिन कॉल दिए ठीक है, समझ में आया। बोला इससे नीचे अगर मान लो मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाता है, दिस इज नॉर्मली 25% ठीक है। बोला अगर इससे नीचे जाएगा, तो हम आपको मार्जिन कॉल देंगे, और मार्जिन कॉल में ये नहीं कि आप मेंटेनेंस मार्जिन में रख दिए, नहीं आपको बैक टू पूरा इनिशियल करना पड़ेगा ठीक है। जैसे मान लो ट्रेड तुम्हारा लगा हुआ था ठीक है, प्रॉफिट होगा तो अच्छा ही बात है ना, मार्जिन में ऐड होते जाएगा, बट नुकसान होगा तो बोला 20,000 के जैसे ही नीचे जाएंगे हम आपको मार्जिन कॉल देंगे ठीक है ना। मेंटेनेंस मार्जिन उसके नीचे जाने से आपको मार्जिन कॉल जाएगा, और जितना पैसा आप डिपॉजिट करते हो, क्योंकि ये तो वेरी कर सकता है, ट्रेड काटा मार्जिन बैलेंस 17,000 तो 83 का कॉल जाएगा, ट्रेड काटा मार्जिन बैलेंस 11,000 तो 89 का कॉल जाएगा, ट्रेड काटा मार्जिन बैलेंस 2,000 तो कितना का कॉल जाएगा, 98 का कॉल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन मार्जिन, और वेरिएशन मार्जिन जिस चीज से होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन कॉल ठीक है ना। क्लियर है सबको ये चीज, यस और नो ठीक है। हाँ हर्ष बोलो। अगर हम मिनिमम मार्जिन नहीं मेंटेन करेंगे तो स्क्वायर ऑफ खुद ही कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ हाँ कर देगा। आरएमएस सेलिंग बोलते हैं। देख ये बुक्स में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान ले तेरे को ना वहां पर एक मार्जिन दिखाता है ठीक है, सो बेसिकली मार्जिन में तुमने बाय तो कर लिया, अब अगर तुम्हारा में डिलीवरी आएगा तो वो लोग एक दो दिन वेट करते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं, और फिर अगर तुम एक सर्टेन टाइम के अंदर पैसा नहीं डालेगा तो बेच देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तेरे पोर्टफोलियो से कोई भी शेयर बेच सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपना नुकसान नहीं करेगा, वो लोग अपना बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, एकदम क्लियर है वो लोग ठीक है। अब जैसे क्या क्या चीज है जिसपे एक ऑप्शन का प्राइस डिपेंड करता है ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या चीज है जिसपे एक ऑप्शन का प्राइस डिपेंड करता है मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तुम्हारा आता है इसमें शेयर प्राइस ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है स्ट्राइक प्राइस ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है टाइम टू एक्सपायरी ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी, उसके बाद तुम्हारा आएगा इंटरेस्ट रेट ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आएगा डिविडेंड्स ठीक है ना, कि कंपनी आने वाला टाइम में डिविडेंड वगैरह दे रहा है क्या ठीक है, और भी है ऑप्शन का एक्सपायरी डेट ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारा रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ठीक है, अब जैसे मान लो एसटी हम लोग को दे दिया है 115 और के है 110, ऑप्शन का जो प्रीमियम है, कॉल ऑप्शन है मान लो सी प्लस है, ऑप्शन का प्रीमियम है 12 रुपया ठीक है, तो हमको ये बताओ कि इसमें तुम्हारा आईवी कितना है और टीवी कितना है, आईवी 5 रुपया, अगर आज एक्सेस करेंगे तो 5 रुपया मिलेगा, और टाइम वैल्यू कितना है 7 रुपया, एक्सीलेंट ठीक है,
और भी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे वोलेटिलिटी लिख लो, वोलेटिलिटी यही मेन चीज है, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग शेयर, ठीक है। अब उसके बाद में ये कॉपी हो गया ना। अब फ्यूचर्स का ना कुछ प्राइसिंग है वो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, फॉरवर्ड फ्यूचर, ठीक है। देखो दो टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा ओटीसी और एक होता है तुम्हारा एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है। दोनों के बीच का फर्क क्या है समझ लेना। ओटीसी मतलब मैं बैंक के संग कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अगर मान लो मैं बैंक के संग कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, इसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई भी मार्क टू मार्केट नहीं होगा, बिकॉज हम लोग दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम ऐसा इस दिन को इतना ऐसा करेंगे, ठीक है ना। बट एक्सचेंज ट्रेड में क्या होता है, ये स्टैंडर्डाइज होता है, मतलब लॉट साइज मैं अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता, इसमें मार्क टू मार्केट होगा, मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिकली क्रेडिट रिस्क का चांसेस कम है एक्सचेंज में। ओटीसी में तो क्या है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में कोई मार्जिन एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में कोई मार्जिन एक्सचेंज नहीं हुआ तो उसके इसमें सामने वाला डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है ना। ओटीसी मतलब मैं बैंक के संग कॉन्ट्रैक्ट किया ओवर द काउंटर, और एक्सचेंज ट्रेड मतलब क्या होगा, मैं एक्सचेंज के संग कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझना, ठीक है, अब एक चीज समझना, यहां पर फ्यूचर और फॉरवर्ड, सेम फ्यूचर और फॉरवर्ड जैसे ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेड, तो फ्यूचर जो होता है वो एक्सचेंज वाला होता है और फॉरवर्ड जो होता है वो तुम्हारा ओटीसी है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं प्राइसिंग का अगर बात करूं, प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड का मैं बात करूं अगर, तो ध्यान से सुनना। एक देखो क्या होता है फ्यूचर, मतलब क्या होता है आगे का, आगे का फ्यूचर मतलब क्या होता है आगे का प्राइस, आज का स्पॉट है। तो के जो होता है, के इज द फ्यूचर प्राइस, के इज द फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर प्राइस, एस जीरो, के जीरो मतलब आज के हिसाब का फॉरवर्ड प्राइस, के जीरो मतलब आज के हिसाब का फॉरवर्ड प्राइस, तो एस जीरो ई टू द पावर डेल्टा टी। मान लो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है टी इयर्स का है, तो एस मैंने आज का जो स्पॉट है उसको आगे ले जाओ, आज का जो स्पॉट है उसको आगे ले जाओ, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कि एक महीना बाद मेरे को डिविडेंड मिल रहा हो, तीन महीना बाद मेरे को डिविडेंड मिल रहा हो, राइट। मान लो ये देखो, ये है जीरो, ये है नाइन मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, एक महीना बाद एक डिविडेंड मिल रहा है और तीन महीना बाद एक डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं तुमसे ये शेयर नौ महीना बाद खरीदूंगा, तो नौ महीना के बीच में जो भी सारा इनकम मिलेगा वो तो मेरा नहीं होगा, राइट। तो जो मेरा नहीं होगा वो हम प्राइस में क्यों इंक्लूड करें, जो मेरा नहीं होगा वो हम प्राइस में क्यों इंक्लूड करें। तो उस केस में फॉरवर्ड का प्राइसिंग कैसे होगा, के जीरो इज एस जीरो माइनस आई ई टू द पावर डेल्टा टी, वेर आई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट। क्यों इनकम लॉस क्यों हुआ बताना मेरे को, इनकम का लॉस क्यों हुआ, बिकॉज फॉरवर्ड ऑब्लिक फ्यूचर बाय इज मतलब क्या, कुछ नहीं बाय कुछ नहीं सेल, आज तो कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं है, कब होगा, मैच्योरिटी पे होगा। अभी तो बस खाली क्या बोले कि हम खरीदेंगे, खरीदा नहीं है कुछ भी, तो जितना भी सारा उससे रिलेटेड इनकम वगैरह है वो प्रीवियस ओनर को ही मिलेगा। तो जो चीज मेरे को, अब देखो एस जीरो मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स, राइट। आई मतलब क्या, वो इनकम जो मेरे को नहीं मिलेगा, तो एस जीरो माइनस आई क्या डिनोट करता है, वो जो मेरे को मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट ई टू द पावर डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला देख लो नंबर थ्री में क्या है, के जीरो इज एस जीरो ई टू द पावर डेल्टा माइनस आर टी, ठीक है। इसका मतलब समझना, आर इज इक्वल टू कंटिन्यूअस रेट ऑफ डिविडेंड, इसको क्यू भी बोलते हैं और कोई भी वेरिएबल बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना, मेरा बात समझना, मैं बोल रहा हूं अब डिविडेंड मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं मिल रहा है, मेरे को डिविडेंड अब एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो मेरे को कंटिन्यूअसली मिल रहा है, एंड कंटिन्यूअसली मेरे को डिविडेंड मिले जा रहा है और मैं कंटिन्यूअसली उसको री इन्वेस्ट कर रहा हूं इन परचेजिंग मोर एंड मोर शेयर्स।
इन परचेजिंग मोर एंड मोर शेयर्स। तो बात समझना, मान लेते हैं कंटिन्यूअस डिविडेंड का जो रेट है वो है 5% पर एनम। तुम लोग इसको डेल्टा की तरह सोचो, बट डेल्टा की तरह सोचो, बट इसका जो इफेक्ट आएगा वो नंबर ऑफ शेयर्स पे आएगा। क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं, कंटिन्यूअसली डिविडेंड मिल रहा है एंड कंटिन्यूअसली डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है इन व्हाट, परचेजिंग न्यू शेयर्स। लिखो इसमें नोट में लिखो पहले, वी आर कंटिन्यूअसली रिसीविंग डिविडेंड्स एंड कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टिंग टू परचेज मोर शेयर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंटिन्यूअसली हम लोग डिविडेंड्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बात ध्यान सुनना, मान लो 5% है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं यहां पर अगर मेरे पास एक शेयर था एंड 5% इज द कंटिन्यूअस रेट ऑफ डिविडेंड, तो मेरे यहां पर e टू द पावर 0.05 नंबर ऑफ शेयर्स होगा, e टू द पावर 0.05 नंबर ऑफ शेयर्स होगा, समझ किया? बट मैंने स्पॉट बाय में ये होगा, स्पॉट बाय में ये होगा, तो फ्यूचर बाय में क्या होगा? फ्यूचर बाय में मेरे को यहां पर एक शेयर चाहिए, यहां पर अगर मेरे को एक शेयर चाहिए तो आज मैं कितने शेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करूंगा? e टू द पावर माइनस 0.05 नंबर ऑफ शेयर्स, समझ गया? एक शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा मैं, e टू द पावर माइनस 0.05 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ताकि फ्यूचर में जाके मेरे को एक शेयर मिले। तुम चीज समझ गया ना? ठीक है, तो यही वो चीज है। ठीक है, ये तो हो गया प्राइसिंग का तीन फॉर्मूला है। अब एक होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने आज बाय किया, 6 महीने बाद मेरे को स्क्वायर ऑफ करना है, तो अगर 6 महीने बाद स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, ध्यान देना, वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान देना, के आर माइनस के जीरो ई टू द पावर माइनस डेल्टा। देखो मैं यहां पर टाइमलाइन बना देता हूं, ये जीरो है, ये आर है और ये कैपिटल टी है। ठीक है, टी माइनस आर। मैंने क्या किया, पहले मैंने के जीरो पे वैल्यूएशन किया, फिर मैंने आर पे एक फॉरवर्ड का वैल्यूएशन किया। तो मान लो के आर माइनस के जीरो इज द डिफरेंस इन फॉरवर्ड एंड वो मेरे को मिलेगा यहां पर, तो वहां से मेरे को यहां पर इसको लेके भी आना पड़ेगा, इसीलिए e टू द पावर माइनस डेल्टा टी माइनस आर। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यही अगर शॉर्ट फॉरवर्ड होता तो हम लोग क्या करते, के जीरो माइनस के आर करते। यही अगर शॉर्ट फॉरवर्ड होता तो हम लोग क्या करते, के जीरो माइनस के आर करते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, कुछ नहीं है। देखो मैंने बोला, मैंने फॉरवर्ड का मेरे को आर पे स्क्वायर ऑफ करना है। ठीक है, तो टाइम जीरो पे मैंने के जीरो में खरीदा। ठीक है, टाइम आर पे उसका वैल्यू चल रहा है के आर। ठीक है, तो क्या होगा दोनों का डिफरेंस, के आर माइनस के जीरो। बट ये जो डिफरेंस है ये मेरे को कब मिलेगा, फ्यूचर पे कैपिटल टी पे, तो वहां से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज समझना, मैं यहां पर आप लोग के लिए क्वेश्चन रेज करता हूं। स्पॉट बाय वर्सेस फ्यूचर बाय, दोनों में क्या फर्क है बताओ। स्पॉट में मेरे को डिविडेंड मिलता है, फ्यूचर में मेरे को डिविडेंड, स्पॉट में मेरे को इनकम मिलेगा, फ्यूचर में मेरे को इनकम नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, स्पॉट में मेरा पैसा लगता है, फ्यूचर में मेरा पैसा नहीं लगता। इग्नोर करो मार्जिन को। ठीक है, अब एक चीज, स्पॉट में कन्वीनियंस यील्ड है। कन्वीनियंस यील्ड का मतलब क्या होता है, कोई स्टूडेंट आया बोला सर हम आज दुबई जा रहे हैं, आप मेरे को एडमिशन ले लेंगे? हम बोला हाँ ले लेंगे, बट हम देखे मेरे पास बुक्स नहीं था। बोला नहीं सर, फिर हम कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली कन्वीनियंस का मतलब क्या था, दुकान में तुम्हारे कोई आदमी आया, तुम्हारे पास वो सामान है, दैट इज स्पॉट। वो कन्वीनियंस यील्ड किसमें है, स्पॉट में, लेकिन फ्यूचर में तो तुम्हारे हाथ में सामान नहीं है, राइट? तो वो कन्वीनियंस यील्ड स्पॉट में है लेकिन फ्यूचर में नहीं है, समझ गया? स्पॉट में डिविडेंड मिलेगा, स्पॉट पे डिविडेंड मिलेगा,
फ्यूचर में तुम्हारा कन्वीनियंस यील्ड नहीं है राइट, एंड फ्यूचर में तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो सेव होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होता है क्योंकि तुम्हारा पैसा आज नहीं लगेगा, पैसा तुम्हारा लगेगा एक महीना बाद जब तुम खरीदेगा ना, तुम कब खरीदेगा, राइट टू बाय, सॉरी राइट बोल रहे हैं, तुम एक महीना बाद खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक महीना बाद तुम्हारा पैसा लगेगा, राइट बुल से बोल दिए वो ऑप्शन में होता है ठीक है। तो स्पॉट बाय वर्सेस फ्यूचर बाय, समझ गया। तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है, पैसा आज नहीं लगेगा राइट, तुमको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तुमको कोई इनकम नहीं मिलेगा और फ्यूचर में कन्वीनियंस यील्ड भी नहीं है ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट का बात करो, स्पॉट में लगता है लेकिन फ्यूचर में नहीं लगता है। 100 टन आयरन स्पॉट बाय में क्या होगा, तुमको रखने के लिए गोडाउन चाहिए, इसका खर्चा चाहिए, बट फ्यूचर में क्या होगा, नहीं ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो फिर छोड़ देंगे। एस जीरो हम लोग को दे दिया है 200, करंट डिविडेंड हम लोग को दे दिया है 5 ठीक है, टी हम लोग को दे दिया है 5 इयर्स, डेल्टा हम लोग को दे दिया है 5%, डिविडेंड्स आर कंटिन्यूअसली रिसीव्ड एंड दे आर कंटिन्यूअसली री इन्वेस्टेड, फॉर्मूला 3। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर डिविडेंड का यील्ड निकालना पड़ेगा विच इज डीपीएस बाय एमपीएस मार्केट प्राइस पर से। तो 5 बाय 200 कितना आ रहा है, ये 2.5% आ रहा है राइट। फॉरवर्ड प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, एस जीरो ई टू द पावर डेल्टा माइनस कंटिन्यूअस डिविडेंड का जो यील्ड है इनटू द टाइम पीरियड, सॉल्व कर लीजिए इसको। हुआ कितना आ रहा है, 226.63 ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं ठीक है, कल मेरा क्लास नहीं है, कल आई का क्लास है, वो लोग सम्स कराएंगे, नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सम्स होगा और एक्सेल का प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि खाली हम मूव करें, बट यस वी विल कंप्लीट। और नेक्स्ट में मैं कुछ वीक डे में मैं कुछ स्पेशल क्लासेस रखूंगा ठीक है। सो मॉर्निंग में कौन किसका कैसा क्या टाइम है, आप लोग फटाफट से एक मिनट में लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मॉर्निंग में अवेलेबिलिटी फटाफट से लिख दीजिए। नेक्स्ट वीकडे में मैं क्लास रखूंगा मॉर्निंग में ठीक है ना, एक दो क्लास रखना पड़ेगा, तो आप लोग अपना टाइमिंग लिख दीजिए, ओनली फॉर ऑफिस गोअर्स, कॉलेज वाले अपने एडजस्ट कर सकते हैं, खाली ऑफिस गोअर्स का मैं सुनूंगा, एक दो दिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 12 और हम लोग 19 पे जाके इसको खत्म करेंगे ठीक है ना। तो डेडलाइन मैंने दे दिया 15 तारीख के पहले और एक्सेल का और वो तो चल ही रहा है ठीक है, और अगर किसी का अटेंड नहीं भी हो तो वो लोग बैकअप में भी कर सकते हैं ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना।